नाशाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनम् सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपिस्ते परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय प्रणमामि हरि नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर श्रद्धा और विश्वास का लगा दिया सन आइए कृष्ण बलदेव जी हो जाइए प्रसन्न आइए हनुमान विराजिए कथा कहूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार पधारिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय दाऊ दयाल की जय भागवत महापुराण की जय राधा रमण सरकार की जय बोली गौ माता की जय बोली यमुना मैया की जय गंगा मैया की जय बोली सब संतन की जय सब विप्रन की जय सब भक्तन की जय प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम।
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनंदित पीतांबरधारी अकर्तुम कर्तुम सर्वसमर्थ जगत नियंता जगताधार मेरे प्राणों के अधिपति बाल मुकुंद प्रभु और उन्हीं की वांगमय प्रतिमूर्ति शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण हम सबके मध्य विराजमान गोविंद के अक्षर स्वरूप को बार बार नमन करते हुए मेरे आराध्य नित्य वंदनीय प्रात स्मरणीय बलभद्र स्वामी के श्री चरणों में बार बार नमन करते हुए श्री सतगुरुदेव के श्री चरणों में बार बार वंदन करते हुए इस भक्ति अनुष्ठान में आई समस्त भक्तवृंद स्नेहमयी प्रेममयी दयामयी मातृशक्ति बाल गोपाल स्वरूप प्यारे बच्चे वाणी प्रसारण यंत्र के माध्यम से जहां तक मेरी वाणी का विस्तार हो रहा है जितने भी जीव जंतु मेरी वाणी को सुन पा रहे हैं दिव्य चेतनाएं जो इस कथा मंडप के आसपास विराजमान है वो सभी दिव्य आत्माएं जो इस कथा में अवगाहन कर रही हैं आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे राधा माधव की पावन ज्योति को बार बार वंदन प्रणाम करते हुए मैं व्यासपीठ की ओर से आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान विप्राचार्य संगीताचार्य जो सुंदर वेद ध्वनि से वाद्यंत्रों से भगवान के शिव चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं आपको भी वंदन। आज भागवती ज्ञान गंगा का तृतीय दिवस प्रारंभ हो रहा है और भगवान की चिन्मयी कथा में अवगाहन करने के लिए बहुत दूर दूर से भक्त पधारे हैं। कोई हरियाणा से आया है महाराज, कोई यमुनानगर से, कोई देहरादून से, तो कोई रुड़की से, कुछ महाराज पौंटा साहिब से, हिमाचल प्रदेश से आए हैं हमारे मास्टर जी, गुप्ता परिवार पहुंचा है हरवड़पुर से और कुछ लोग दिल्ली से भी आए। आप सबको प्रेम भरी राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण। आज भागवती ज्ञान गंगा में प्रवेश करने से पूर्व आइए अपने मन और वाणी की पवित्रता के लिए हरिनाम संकीर्तन, और संकीर्तन तभी अच्छा लगता है जब सब गाएं। कीर्तन अकेले में हो सकता है पर संकीर्तन अकेले में नहीं हो सकता, तो संकीर्तन सबने गाना है मीठी मीठी करतल ध्वनि के साथ। और क्या कहेंगे, भज नारायण भज नारायण, नारायण का नाम रे, 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 भज नारायण भज नारायण, नारायण का नाम।
भज नारायण भज नारायण नारायण का नाम रे ओ भज नारायण भज नारायण नारायण का नाम रे We'll be right back.
फूला, यम फांसी झूलेगा झूला। क्यों फिरता है फूला फूला, यम फांसी झूलेगा झूला। क्यों फिरता है फूला फूला, यम फांसी झूलेगा झूला। क्यों फिरता है फूला फूला, यम फांसी झूलेगा झूला। नाम प्रभु का क्यों तू भूला, नाम प्रभु का क्यों तू भूला। ओ नाम प्रभु का क्यों तू भूला, नाम प्रभु का क्यों तू भूला। भज नारायण भज नारायण, नारायण का नाम रे। भज नारायण भज नारायण, नारायण परम पावनी, पापों का नाश करने वाली, जीव का कल्याण करने वाली ऐसी चिन्मयी कथा है। इस कथा में जो एक बार अवगाहन कर ले उसका जीवन धन्य हो जाता है। मनुष्य अपने किए कर्मों से बच नहीं सकता, वो कर्म उसको भुगतना ही पड़ता है, उसका फल उसको भोगना पड़ता है, वो चाहे कोई भी हो। इस धराधाम पर जो जीव आया है उसको अपने कर्मों के अनुसार फल भोगने के लिए सदैव तैयार रहना पड़ता है। लेकिन एक विधा है, एक ऐसी युक्ति है जिस युक्ति से जीव अपने कर्म फल से बच सकता है। और वो युक्ति कौन सी है? वो युक्ति है गोविंद की शरण को ग्रहण करना। देखो, यदि कोई अपराध बन पड़ा, अपराध कुछ हो गया और आपको विधि अनुसार दंड मिलना है, विधि के अनुसार आपको दंड मिलना है, लेकिन यदि आपकी पहुंच राष्ट्रपति तक हो तो राष्ट्रपति आपको क्षमा कर सकता है, वो आपकी मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, या वो यदि प्रसन्न हो जाए तो हो सके आपको क्षमा कर दे। ये उस राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन वो राष्ट्रपति आपको क्षमा करे क्यों? क्यों करे आपको क्षमा? या तो आप उसके इतने घनिष्ठ हो कि आपको देखते ही कह दे कि ठीक है, या आपका व्यवहार इतना अच्छा हो जाए। देखो बंधुओं, जब किसी अपराधी को किसी अपराध के तहत कारावास की सजा हो जाती है तो जो जेलर है ना, वो जेलर उस अपराधी के
व्यवहार से जय हो। ये देखो भगवान के भक्त हरियाणा से पधारे हैं, और ये क्यों पधारे हैं? क्योंकि उस परमात्मा की शरण शरण को स्वीकार कर चुके हैं। यदि कारावास में वो कैदी वो अपराधी अपने व्यवहार को ठीक रखे तो फिर जो जेलर होता है उसे छूट दे देता है, भैया तो कोई बात नहीं, तेरी सजा भी कम कर दी हमने। आगे कथा आएगी, परसों की कथा में गोपियां कहती हैं वत्सान मुंचन कवचित समय, हे मैया ये तेरा लाला बछड़ों को असमय खोल देता है। अगर साधारण रीति से इस श्लोक का अर्थ करें तो कहें कि बछड़ों को असमय खोल देता है, लेकिन यदि गूढ़ार्थ करें तो गोपियां कौन है? गोपियां हैं श्रुति, वेद मंत्र है महाराज गोपियां। और ये वेद मंत्र मैया यशोदा से शिकायत करते हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय, हे मैया ये तेरा लाला जीव को अपने कर्म फल भोगने से पहले ही मुक्त कर देता है, ये कैसा कृपालु है। ये जीव अपने कर्म भोगता नहीं, इसके कर्म इतने खराब हैं, पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे सैनम, इसको बार बार गर्भ में आना पड़ता है, लेकिन तेरा लाला जिसके ऊपर कृपा करे उसको छोड़ देता है महाराज, मुक्त कर देता है। तो अर्थ क्या हुआ, इसका आशय क्या लगाएं? इसका सीधा सा अर्थ है कि जिस पर वो कन्हैया रीझ जाए उसके पाप तापों को वो शीघ्र नष्ट कर देता है। रामचरितमानस में बाबा तुलसी यही तो कह रहे हैं कि प्रभाव का स्वभाव कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है। सन मुख होई जीव मोहि जब हे, सन मुख होई जीव मोहि सन मुख होई जीव मोहि जब हे, जन्म कोटियाघ नाश तब 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 हे, सन मोह होए जीव मोहि जब हे, सन मोह होए जीव मोहि जब हे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सन्मुख हुई जीव मोहि जब, भगवान कहते हैं जीव मेरे सन्मुख जब आ जाता है तो जन्म कोटि अगनाश ही तभी उसके जन्म जन्मांतरों के पापों का मैं नाश कर देता हूं। पर भैया कैसे करता है, क्यों करता है, कारण क्या है? क्या ऐसे ही जाकर के सबको क्षमा कर देगा वो? ना भैया ना, कोई अपराध बन पड़ा और आपके ऊपर पुलिस केस हो गए, ना जाने क्यों आज बार बार कोर्ट कचहरी की बात आ रही, कोई पुलिस का अधिकारी तो नहीं बैठा, प्रेम से कह दो राधे 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 राधे। अपराध बन जाए और आपको हवालात में बंद कर दिया तो हवालात से वो थानेदार साहब कहते हैं भैया एक जमानती लाओ, क्या कहते हैं, कोई जमानती लाओ, बिना जमानती के छोड़ूंगा नहीं, तुम दोबारा से अपराध कर लोगे। और फिर वो क्या करता है,
किसी ऐसे व्यक्ति को रसूखदार को लाता है अपने साथ, तो जमानत देता है और थानेदार छोड़ देता है। ऐसे ही परमात्मा के दरबार में भी यदि सतगुरुदेव हमारी जमानत करें आहा, तो हम उस जेल से छूट जाएंगे। इसीलिए परीक्षित ने भी आज गुरुदेव को जमानती बनाया है। कैसा जमानती? आपने कल की कथा में सुना कि परीक्षित को श्राप मिल गया है और श्राप से दुखी होकर नहीं, अपने कृत्य से दुखी होकर, श्राप से दुखी नहीं हुआ परीक्षित। परीक्षित ने कहा जो मैंने अपराध किया उस अपराध की सजा तो यह होनी चाहिए कि मैं तत्क्षण उसी समय जलकर राख हो जाऊं, लेकिन फिर भी 7 दिनों तक जीने की मुझे संत ने कृपा की है मुझ पर कि 7 दिनों तक तू जिएगा, काल भी तुझे मार नहीं सकता। देखो जी, संत कहता सहज सुभाए और संत का कहा कभी प्रथा ना जाए। 7 दिनों तक कोई मार ही नहीं सकता, लेकिन 7 दिनों में करें क्या? अगर आपको कहें कोई कि फला तारीख तक आपका जीवन है और फिर आप मर जाओगे तो आप क्या करोगे? अरे बोलो ना। कोई कहेगा मैं अपनी सारी जमीन के कागज ठीक कर लूं, सारी प्रॉपर्टी को ठीक ठाक करके बेटों के नाम कर दूं, हैं? कोई कहेगा मेरा ये काम छूटा हुआ है, बस मेरी तो बेटी की शादी हो जाए बस, बाकी तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। क्यों? क्योंकि हम संसार में उलझे हुए हैं। लेकिन धन्य है परीक्षित, ये 3 चीजें जीवन में बड़ी मुश्किल है भैया। शरीर तो सबको मिलता है, पशु पक्षी गधे घोड़े सबको मिलता है, लेकिन बहुत मुश्किल है क्या? मनुष्यत्वम, मनुष्य बनना। अरे मनुष्य शरीर भी मिल जाए फिर एक चीज और बहुत मुश्किल है, मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षु होना, अपने कल्याण की कामना। ये मनुष्य नहीं करता, बहुत जिसके ऊपर गुरु कृपा हो जाए, जिसके ऊपर मेरा गोविंद कृपा करे, उसके मन में भाव जगता है आत्म कल्याण का, नहीं तो सब पेट भरने में लगे हुए महाराज, बस कहां से पैसा आ जाए, कहां से ये हो जाए, कहां से कोठी बन जाए, कहां से बिल्डिंग बन जाए, कहां से प्रॉपर्टी हफ्ते लग जाए। महाराज अब तो 2-2 हजार के नोट बंद हो गए, कैसे बदले जाए? तो मुमुक्षुत्वम बड़ा मुश्किल है। मुमुक्षुत्वम माने आत्मकल्याण का भाव। और तीसरी चीज बहुत मुश्किल है, मुमुक्षुत्वम भी जाग गया, मनुष्य भी हो गया, लेकिन एक चीज बहुत दुर्लभ है जो हम सबको मिल रही है, महापुरुष संश्रयः, संतों का संग मिलना बहुत मुश्किल है। ये गोविंद कृपा करे तभी हो सकता है, नहीं तो हो नहीं सकता। आपके बगल से संत गुजर जाएगा लेकिन आप उसको देखकर प्रणाम भी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उसको जानते नहीं, और यदि जानते हैं तो वहां बैठकर हम रोने लग जाते हैं, बाबा जी बस मेरे बेटे का ब्याह हो जाए। अरे बाबा से यह मत पूछो, संत नजदीक आए, संत की संगति मिले, संत की सन्निधि मिले, संत के साथ वार्ता करने का कभी मौका मिले तो यह मत पूछो कि मेरे बेटे का विवाह कैसे होगा, ये मत पूछो कि दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी। अरे भैया तेरी दुकान में सामान होगा तो बिकेगा भी जरूर। यदि तेरे बेटे में योग्यता है तो उसके लिए सुंदर पत्नी मिल ही जाएगी। यदि तेरा बच्चा पढ़ने वाला है तो वो बढ़िया नौकरी भी कर लेगा। यदि उसका दिमाग अच्छा है तो उसका व्यवसाय भी चल जाएगा। तो संतों से पूछना क्या है, गुरुदेव आत्मकल्याण कैसे हो, भगवान की पूजा में मन कैसे लगे, ये पूछने की बात है। कल क्या कहा परीक्षित ने? परीक्षित ने कहा ये सा संस्मरणात् पुंसहा, हे गुरुदेव जो आपको सोच ले, आपके बारे में चिंतन कर ले, वो मुक्त हो जाता है। सद्य शुद्ध्यन्ति विग्रहा, वो घर शुद्ध हो जाते हैं जहां आपके पैर पड़ जाए, आपका स्पर्श करके मुक्ति हो जाती है। आपके चरण रज को जो अपने मस्तक पर लगा ले, उसको आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। देखो कितनी बड़ी बात कह दी, लेकिन फिर भी परीक्षित जब ये बात कह रहा था तभी संतों ने समझाया, परीक्षित
ये ज्यादा बड़ाई मत कर संतों की, संत बड़ाई सुनने के शौकीन नहीं होते, ये तो हम लोग हैं जो आम लोग होते हैं, हम सोचते हैं महाराज हमको हम आए हैं तो पता तो चले कि हम आए, पता तो चले कि सभा में कोई बैठा है, हमारा थोड़ा सम्मान हो जाता महाराज, हमारा नाम लिया जाता, ये तो हमको लगता है। संतों से कोई मतलब नहीं, उनको तुमने जगह दे दी तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की। परीक्षित ने पूछा, जब संतों ने ऐसा कहा ज्यादा बड़ाई करोगे तो ये चले जाएंगे, इनके पास इतना समय नहीं है, ये ज्यादा रुकते नहीं, तो परीक्षित ने सोचा कहीं चले ना जाएं, इसलिए पूछा। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं मिर्यमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब जल्दी मरने वाला कौन है भैया? हाँ, हम सब जल्दी मरने वाले ही, हम सब का जन्म भी 7 दिनों में होता है, मरण भी 7 ही दिनों में होगा। अब विदोली वाले बोलेंगे बढ़िया कथा कराने आई, 7 दिन में मार रहे सबको। 7 दिन का मतलब क्या है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इन्हीं 7 दिनों में सबका जन्म होता है और इन्हीं 7 दिनों में सबकी मृत्यु हो। कोई इसके अलावा कोई दिन लेके पैदा हुआ हो तो बात अलग है। यहाँ विदोली में तो नहीं हुआ कोई ऐसा? नहीं हुआ है? रुड़की वाले कोई हुए हो? तो सबका जन्म भी इन्हीं 7 दिनों में होता है, मृत्यु भी इन्हीं 7 दिनों में होती है। इसलिए परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? ध्यान से समझना, कथा बड़ी गूढ़ है और यदि आपने समझी तो आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। सुखदेव जी ने, परीक्षित ने जो प्रश्न पूछा ये द्व्यर्थी प्रश्न है। एक तरफ तो परीक्षित कहते हैं गुरुदेव आपके चरणों का प्रक्षालन, आपके चरणों का स्पर्श, आपके चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर लगाने से आवागमन के चक्र से मुक्ति हो जाती है, और दूसरी तरफ पूछते हैं जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये क्यों पूछा? तो सुखदेव जी इसका जवाब देते हैं। वरियाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित्समत्तः पुंसां श्रोतव्यादिसूयः परः। राजन, ये जो प्रश्न तुमने मुझसे पूछा है ये तुमने अपने लिए नहीं पूछा, किसके लिए पूछा? हम सब के लिए। हम सब का उद्धार कैसे हो? परीक्षित का उद्धार तो हो गया, सुखदेव जी आए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यदि मैं 7 दिन तक तेरे पास केवल बैठा रहूं, तुझे भजन भी सुनाऊं, तब भी तेरा उद्धार हो जाएगा। 7 दिनों में यदि परीक्षित सुखदेव को देखता भी रहता तब भी उसकी मुक्ति हो जाती, तक्षक वहां आ नहीं सकता था। सुखदेव जी ने पूछा, परीक्षित एक होती है मुक्ति और एक होती है भक्ति, अब तुझे क्या चाहिए? पूछा मुक्ति कैसी होती है? तो मुक्ति भैया भगवान किसी को दुष्ट को मार दे, यानी कोई असुर है, अभी आगे कथा आएगी हिरणाक्ष की कथा, भगवान ने हिरणाक्ष का उद्धार किया और हिरणाक्ष को कौन जगह दी? बैकुंठ। क्यों? भगवान के हाथों से जो मरेगा वो बैकुंठ ही जाएगा और कहीं जा नहीं सकता। हिरणाक्ष ने भगवान के द्वारा मृत्यु प्राप्त की और बैकुंठ का अधिकारी हो गया, और आप भी मुक्ति मांगे,
आप भी वहीं बगल में बैठे, वहीं हिरणाक्ष बैठा, वहीं आप बैठे, इतनी लंबी साधना, ये 24-24 घंटे का भजन, ये महाराज 8-8 घंटे कथा सुन रहे हैं, और उसके बाद भी आप वो हिरणाक्ष के बगल में ही बैठना पड़े तो क्या फायदा, बोलो ना। उससे बढ़िया तो भी हिरणाक्ष है, उससे बढ़िया वो रावण है, पाप कर्म करके भी भगवान की सन्निधि को पा गया। तो क्या अंतर है? मुक्ति मिलती है मरने के बाद, भगवान के दर्शन होते मरने के बाद। देखो, भगवान ने हिरणाक्ष को मारा, मरने के बाद उसको वैकुंठ दिया, दिया मुक्ति का अर्थ दिए, और भक्ति का अंतर, वो जीते जी ही भगवान का दर्शन कर लेता, वो जीते जी भगवान को प्राप्त कर लेता। अब बताओ आपको क्या चाहिए? भक्ति की चाहिए, मुक्ति चाहिए? मुक्ति में दर्शन होंगे मरने के बाद, और भक्ति में दर्शन होंगे जीते जी। अब आपको क्या चाहिए बताओ? मुक्ति चाहिए क्या? और हम तो कहते हैं महाराज इस दुख से मुक्ति दे दो, है? इस संकट से मुक्ति दे दो। भैया मुक्ति से गोविंद मिलेगा तो, लेकिन इस जन्म में नहीं मिलेगा, और भक्ति से इसी जन्म में मिल जाएगा। इसी आंखों से देख लोगे, इन्हीं हाथों से स्पर्श कर सकते हो, पर करोगे कब? जब भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति बढ़ेगी तो कल्याण हो जाएगा। जिसने इस जन्म में अच्छे कर्म किए उसको मरने की टेंशन नहीं होती। मैंने आपसे पहले निवेदन किया, और मैं कथाओं में हमेशा कहता हूं कि यदि जीवन को जीना सीखना है तो रामचरितमानस को जरूर पढ़े। कैसे जीना है? एक अच्छा बेटा कैसे बने, एक अच्छी पत्नी कैसे बने, एक अच्छा पति कैसे बने, एक अच्छा राजा कैसे बने, ये अगर जानना है तो भैया रामचरितमानस को पढ़े। एक यदि कुशल राजनीतिज्ञ बनना है, कूटनीति को सीखना है, तो महाभारत को पढ़े, महाभारत। और यदि भैया अच्छी मृत्यु कैसे हो, इस जीवन जीना तो सबको है, जी रहे हैं, और मरना भी सबको है, लेकिन मरे कैसे, अच्छी मौत कैसे हो, ये यदि सीखना है तो इसके लिए आपको भागवत सुननी पड़ेगी। क्योंकि भागवत हमारे जीवन को तो अच्छा बनाती, हमारी मृत्यु को भी अच्छा बनाती। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, भागवत में भीष्म जब अंतिम समय गिन रहा था तो गोविंद आया मृत्यु को सुधारने के लिए। जब हमारा संबंध भगवान से बन जाता है तो भगवान आना पड़ता है भगवान को, क्योंकि संबंध की लाज रखनी है उसने। और हम तो भूल गए महाराज। तो सुखदेव जी कहते हैं जल्दी मरने वाले को ये तीन काम करने चाहिए। कौन से काम? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तीन काम श्रोतव्य है। पहला काम क्या? सुने। क्या सुने भैया? भगवान की कथा को सुने। कीर्तितव्यश्च भगवान की कीर्ति का गान करें, और भगवान का स्मरण सदैव बना रहे। आप कुछ भी करो, श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, रथा श्वास जनि खोई, और ना जाने या श्वास की आमन होए ना होए। हमारी सांस लौट के आएगी कोई नहीं जानता, इसलिए क्या करो, श्वास श्वास पर भगवान का भजन करो। अब दिल्ली वाले कह रहे हैं महाराज कि हम दिल्ली में रहते हैं जी, और हम अगर 24 घंटे भगवान का ही भजन करते रहेंगे तो काम कौन करेगा, ऑफिस कौन जाएगा, हैं? रुड़की वाले कह रहे हैं महाराज खाना कौन बनाएगा, पतिदेव घर से बाहर निकाल देंगे। मास्टर जी कह रहे हैं स्कूल में बच्चों को कौन पढ़ाएगा, हैं? वो पवन भैया कह रहे हैं ड्यूटी कौन करे। तो भैया इन सब का समाधान बाबा तुलसी ने दिया। बाबा तुलसी कहते हैं कर से कर्म
करहु विधि नाना घर से कर्म करहु विधि नाना घर से कर्म करहु विधि नाना घर से कर्म करहु विधि नाना मन राखे हूँ जाहु कृपा निधाना मन राखे हूँ जाहु कृपा निधाना मन राखे हूँ जाहु कृपा निधाना मन राखे हूँ जाहु कृपा कर से कर्म करहु विधि नाना कर से कर्म करहु विधि नाना भगवान की जय। कर से कर्म करहु विधि नाना हाथों से काम करो भैया वो खिचड़ी भी बने तो महाराज राम 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 होती रहे वो झाड़ू लगे तो राधे श्याम होती रहे। कर से कर्म करहु विधि नाना काम करते रहो और भगवान का भजन भी करते रहो। मन राखे हु जहां कृपा निधान मन को लगा के रखो भगवान के चरणों में। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव ये तो बहुत मुश्किल काम कह दिया आपने। देखो आपके सारे काम ठीक हो सकते हैं आप अपना एक चीज दे दो बस एक चीज मुझको दे दो। बोलो क्या बोलो ना है? कुछ नहीं सर वो भंडारी जी की पत्नी कह रही कहीं हमसे पैसे ना मांग ले प्रेम से कह दो राधे राधे। अरे आपका कुछ नहीं चाहिए बस एक चीज चाहिए मन। आप अपना मन मुझको दे दो वो मन यहां 3 घंटे लगा दो। समस्या क्या है कि हमारा तन तो यहां है लेकिन मन यहां नहीं है। मन कभी कहीं जा रहा है कभी कहीं जा रहा है। परीक्षित ने कहा गुरुदेव आपने कहा मन राखे हूं जहां कृपा निधाना मन को कैसे लगाएं भगवान में ये तो बहुत मुश्किल है। आप कहते सेब चढ़ाओ तो सेब चढ़ा देते केला चढ़ाओ चढ़ा देते रुपया चढ़ाओ चढ़ा देते पर ये मन कैसे चढ़ाएं। भगवान कृष्ण से अर्जुन यही पूछते हैं गीता में चंचला ही मन कृष्णम प्रमाधि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। हे गोविंद ये मन बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना। ये मन को पकड़ना कैसे जैसे मुट्ठी में हवा पकड़ना इसको कैसे नियंत्रित करें। तो 4 चीजें हैं मन को नियंत्रित करने की वो क्या है भैया ये 4 चीजें बड़े ध्यान से सुन लो। जिसने 4 चीजों पर अधिपत्य हासिल कर लिया वो भगवान के शिव चरणों की भक्ति को प्राप्त कर ही लेगा। क्या जितासनो जितस्वासु जितसंगो जितेंद्रियः क्या चीज है। एक तो आसन को जीतना है। आसन को जीतना क्या है एक ही आसन पर एक ही स्थिति में ज्यादा देर तक बैठना। और हम तो कथा में बैठते हैं तो 15 आसन कर लेते हैं कथा में बैठे बैठे कभी यूं टेढ़े कभी यूं टेढ़े कभी टांग लंबी कभी ऐसे। तो यदि भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है तो सबसे पहले क्या करें तो कहा आसन जीतो। और आसन को जीतना हर काम के लिए जरूरी है। अरे आप कंपनी जा रहे हो आपने कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने का फैसला किया है तो उसके लिए कंप्यूटर के सामने 8 घंटे बैठने की प्रैक्टिस चाहिए। जितासन पहले आसन सिद्ध होगा तब मंत्र सिद्ध होगा। और हम आसन सिद्ध नहीं करना चाहते चाहते हैं डायरेक्ट मंत्र सिद्ध हो जाए। सबसे पहले आसन को जीतो।
एक आसन पर ज्यादा देर तक बैठो, फिर जित श्वास, जित श्वासो, अपने श्वासों को जीतना है, ये श्वासों पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है भैया। देखो सबको, हम सबको श्वास गिनकर मिली है, एक श्वास कोई फालतू नहीं ले सकता। पहले के जो साधु महात्मा थे ना, अब भी हैं, उस साधु महात्मा श्वासों पर बड़ा नियंत्रण था। और ये श्वासों पर नियंत्रण कैसे होता है, इसके लिए भोर में उठना पड़ता है, 4 बजे 3 बजे, और फिर उठ करके सबसे पहले क्या करते हैं आजकल, मोबाइल निकालते हैं, है? उठ करके सबसे पहले क्या करना, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभात कर दर्शनम। सुबह सबसे पहले उठ के अपने हाथों को देखे, और उसको हाथों को देख करके भगवान का चिंतन करते हुए उसको मछली अपने मुख पर फिराए, उसके बाद पृथ्वी को स्पर्श करें, उसके बाद भोर में स्नान करें, और स्नान करने के बाद प्राणायाम करें। प्राणायाम कैसे करना है भैया, कोई भी एक मंत्र जो आपको आपके गुरु से मिला है, किसी ब्राह्मण ने दिया है, उस मंत्र का ध्यान करते हुए एक नासिका को बंद करके एक नासिका छिद्र से श्वास लेनी, इसको कहते हैं पूरक। फिर उस दोनों को बंद कर लेना है, और फिर श्वास अंदर हो फिर वो मंत्र जपते रहे, ब्रह्मरंध्र में वो मंत्र स्थापित हो जाए, और फिर धीरे से दूसरी उसको बोल, जो रोकती है ना हवा, वो श्वास, उसको कहते हैं कुंभक, उस श्वासों को रोकने को कहते हैं कुंभक। और फिर एक नासिका छिद्र को छोड़ करके उसे धीरे धीरे वो श्वास बाहर निकले, उसको कहते हैं रेचक। ये प्राणायाम की पद्धति है महाराज, धीरे धीरे प्राणायाम करेंगे तो आपका मन स्थिर हो जाएगा, और जो श्वासों पर नियंत्रण करना चाहे वो काम क्रोध को नियंत्रित करे, क्योंकि क्रोध में आपकी सांसें बहुत स्पीड से चलने लगती, आप अजमा के देखो। एक तो काम, जब आप काम में रत होते हैं, रतिक क्रिया में, उस समय श्वासों की गति बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, आप चेक कर लेना। और एक क्रोध में, एक भय में भी आपकी श्वासों की गति बढ़ जाती है। तो ये चीजें नियंत्रित रखें। तीसरी चीज है संग को जीतना, जित संग हो, संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, संग से दोष भी आते हैं और गुण भी आते हैं, इसलिए अपने संग को जीते। वैसे तो निसंग रहे, किसी का संग करना ही नहीं चाहिए, संग खराब है। और आजकल बिगड़ क्या रहा है हमारा, संग बिगड़ रहा है हमारा। कुछ कहते हैं महाराज मेरा तो संग बहुत बढ़िया है, मैं तो किसी से दोस्ती नहीं रखता, लेकिन उसका मोबाइल खोल के देखो तो पता चलता है उसका संग कहाँ कहाँ है उसके। आजकल सब कुछ दे देंगे लेकिन अपना मोबाइल नहीं कोई देगा, क्यों? क्योंकि उसकी हार्ड कॉपी है उसके अंदर, उसके चरित्र का चिट्ठा। संग जीतना बड़ा आवश्यक है, जिसने अपना संग जीत लिया उसका जीवन सुधर जाएगा। एक भंवरे की और कीट की कथा सुनाता हूं मैं, बार बार सुनाऊं? एक फूलों का बगीचा था, बड़ा सुंदर, चारों ओर भांति भांति के पुष्प खिले, और इसी पुष्प वाटिका के मध्य में गोविंद का मंदिर था, और उस मंदिर में भगवान का दिव्य विग्रह स्थापित है। उसी मंदिर के बगल से मां गंगा जी बह रही हैं, और उसी मंदिर के पुष्प वाटिका से लगा हुआ एक नाला है महाराज। उस नाले में एक कीट पड़ा हुआ, वो कीड़ा रो रहा है, रुदन कर रहा है रोज, क्यों? मेरा जीवन बीत गया,
इस नाले में पड़े हुए, लेकिन मैंने आज तक कभी गोविंद का दर्शन नहीं किया। हे माधव, क्या मेरा जीवन इसी नाले में समाप्त हो जाएगा? हे गोविंद, क्या मैं आपका दर्शन कभी ना कर पाऊंगा? क्या मैं इस गंदगी में ही पड़ा रहूंगा जीवन पर्यंत? क्या मेरे जीवन में सुधार की कोई संभावना नहीं? और जीव जब अपने आत्म कल्याण के भाव से छटपटाता है महाराज, तो गोविंद कोई ना कोई मार्ग निकाल देता है। वो कीड़ा रो रहा है, वो कीट रुदन कर रहा है, उसी समय एक भौंरा आया और भौंरा गुंजार करता हुआ पुष्प वाटिका में घूमने लगा। एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर रस को लेता हुआ भौंरा जैसे ही उस नाले के पास से गुजरा, तो उसको उस कीट की रुदन की आवाज करुण पुकार, हे गोविंद, हे माधव, हा नाथ रमण पृष्ठ पासी पासी महाभुजा, हे गोविंद, मैं कैसे तुम्हें प्राप्त करूं? जैसे ये कर्ण पुकार उस भौरे के कर्ण पुटों में पड़ी, तो भौरा नीचे उतरा। उसने इस कीट से कहा, क्यों रोते? कीट ने कहा, मेरा जीवन समाप्त हो गया इस गंदे नाले में, मैं इस गंदगी के अलावा और कुछ देखा नहीं। कीट ने जैसे ये बात कही तो भौरे ने कहा, मित्र तू चिंता न कर, आज से हम दोनों मित्र हैं। और भौरे ने उस कीट को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया और वहां से उसने उड़ना प्रारंभ किया। गुंजार करता वो भौरा पुष्पों के ऊपर विचरने लगा। जो गंदे नाले में वो कीट रहता था, वो उन पुष्पों के दिव्य सुगंध से मंत्र मुग्ध सा हो गया। उन पुष्पों के सुगंध से उमानो मतवाला सा हो गया। एक पुष्प पर वो भौंरा बैठा और जैसे ही पुष्प पर भौंरा बैठा तो कीट उस पुष्प पर गिर गया। संध्या हुई, भौंरा टूट गया, लेकिन वो कीट उस फूल पर रह गया। और आपने देखा होगा जैसे ही सूर्य अस्त होता है, पुष्प अपनी पंखड़ियों को संकुचित कर लेता है, और जैसे ही पुष्प ने अपनी पंखड़ियों को संकुचित किया, वो कीट उसी पुष्प के अंदर रह गया। भोर हुई, पंडित जी जो मंदिर में पूजा करते थे, उन्होंने मन में भाव किया, आज भगवान को सुंदर पुष्पों का हार चढ़ाया जाए। पुष्पों को बिनना शुरू किया तो महाराज वो पुष्प भी तोड़ लिया जिसमें वो कीड़ा बैठा हुआ था। सारे पुष्पों की तो माला बन गई, कुछ पुष्प रह गई। वो पुष्प कौन से थे? वो पुष्प में एक पुष्प ऐसा था जिसमें एक कीट भी बैठा हुआ। पंडित जी ने भगवान की सुंदर पूजा आरती श्रृंगार किया और अंत में पुष्पांजलि को भगवान के चरणों में समर्पित किया। और जैसे ही पुष्पांजलि भगवान के चरणों में समर्पित हुई, थोड़ी देर बाद सूर्य की रोशनी उन पुष्पों पर पड़ी और सूर्य की किरण के प्रभाव से वो पुष्प खुला। और जैसे ही पुष्प खुला, वो कीट निकलकर मेरे गोविंद के चरणों में गिर गया। वो कीट तो रुदन करने लगा, वाह गोविंद, आज तक मैं गंदे नाले में था और कल मेरे मन में भाव आया कि प्रभु तेरा दर्शन करूं, और तूने आज सुबह मुझे अपने चरणों में बिठा दिया। वो कीट रो रहा है महाराज। थोड़ी देर हुई, वो पुजारी श्रृंगार आरती के बाद सफाई उफाई करने लगे और उन पुष्पों को एकत्रित करके गंगा जी में विसर्जन कर दिया। वो कीट भी गंगा जी में लहरों में गोते लगाने लगा और गंगा जी के लहरों में आनंद विभोर होता हुआ हरिनाम संकीर्तन कर रहा है महाराजों की। भौरा गुंजार करते हुए आया, अरे मित्र, तुम तो मुझे वहां मिले थे। उस कीट ने कहा, हाँ, मैं उसी गंदे नाले का कीड़ा हूं, लेकिन तुम्हारी मित्रता के कारण से पहले मैं भगवान के श्री चरणों में चढ़ा और अब गंगा जी की शुद्ध लहरों में आनंद विभोर हो रहा हूं। ये कैसे संभव हुआ? एक मित्रता के कारण से। संग बढ़िया था,
इसलिए भगवान के चरणों में चढ़ गया और हमारा संग कैसा है हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए जीवन में सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है संग। आजकल हमारे बेटा बेटी स्कूल जाते हैं और मित्र बनाते हैं, और वो मित्र कभी कभी ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को बना लेते हैं कि जीवन नरक हो जाता है। मित्र कैसा हो, मित्र और इत्र का चयन बड़ी सावधानी से करो बंधुओं। यदि इत्र का चयन आपका अच्छा है तो सभा महक जाएगी। आपने इत्र लगाया तो सभा में एक अलग खुशबू बिखर जाएगी, एक ऐसी महक आ जाएगी महाराज के सब कहेंगे वाह बड़ी सुगंध है। और जीवन में मित्र आपने अच्छा चुन लिया तो आपकी जिंदगी महक जाएगी। इसलिए बड़े सावधानी से इत्र और मित्र का चयन करें। चौथी बात है जितेंद्रियः, अपने इंद्रियों को अपने बस में रखें। अगर आपने अपने इंद्रियों को बस में रखा तो जीवन सुधर जाएगा। इंद्रियों को बस में रखना, जितेंद्रिय होने का अर्थ क्या है? पांच ज्ञान इंद्री, पांच कर्म इंद्रिया। आज जीव को चाहिए कि बीकानेर का रसगुल्ला मिल जाए, है ना? और है शुगर, और सामने रसगुल्ले का डब्बा आ गया महाराज, और हम देख रहे हैं कि कोई नहीं आसपास, दो चार गटक जाओ तो हो सकता है अगले दिन आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े। सामने रसगुल्ला है और कोई नहीं है, फिर भी आपका मन उधर ना जाए। और मन ने कहा, जिव्या ने कहा कि मुझे रसगुल्ला खाना है, आप उसे रसगुल्ला मत खिलाओ, वहीं करेला रखा है, करेले का जूस निकाल करके पी जाओ। इंद्रियों को उसके भोग वस्तुओं से विपरीत वस्तुओं की तरफ लगाना, भौतिक संसाधनों की तरफ ना जाकर के परमात्म की तरफ अपनी इंद्रियों को लगा देना, यही जितेंद्रिय होने का लक्षण है महाराज। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया उसका जीवन सुधर जाता है। इसलिए संत कहते हैं देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें हरदम जो संयम के कोड़े लगे, अपनी रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, 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 हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। और जब आप ये गाते हुए जाएंगे अपने इंद्रियों को संयमित कर लेंगे तो क्या होगा? इससे याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी।
कभी ना कभी याद आएगी उनको कभी ना कभी याद आएगी उनको कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मन को विषयों से हरदम हटाते चलो मन को विषयों से हरदम हटाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो ओ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो बोले नंद के लाल की जय क्या करना है मन को विषयों से हटाना इन विषय वासनाओं से मन हट जाएगा तो भगवान के चरणों में लग जाएगा परीक्षित ने पूछा गुरुदेव हमारा चिंतन बढ़े उसके लिए परमात्मा को जानना जरूरी है मेरे मन में भाव है एक प्रश्न है कि भगवान इस दुनिया को बनाता क्यों है कैसे बनाता है और जो आप ज्ञान मुझे सुना रहे उसको कहते क्या है तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जो ज्ञान मैं तुम्हें सुना रहा हूं इसको भागवत कहते हैं क्या कहते हैं भागवत भगवता प्रोक्तम इति भागवतम भगवान ने जो कहा है वो भागवत है जो भगवान का हो जाए वो भागवत है जो भगवान का चिंतन करे वो भागवत है भगवान अपने आप को आनंदित करने के लिए इस सृष्टि का निर्माण करते हैं सारी दुनिया जो हमको दिख रही है ये क्रीड़ास्थली है भगवान की पहले सारे संसार में इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था केवल एक परमात्मा था और निर्गुण निराकार परमात्मा एक बार उस परमात्मा ने सोचा क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं एको हम बहुश्यामी मैं एक हूं एक से अनेक हो जाऊं तो महाराज उन परमात्मा ने जैसे ही ये विचार किया तो एक अंड को बना एक बहुत विशाल अंड उसमें स्वयं परमात्मा प्रवेश कर गए और जब उसको उस अंड को परमात्मा ने तोड़ा तो उसी सारा ब्रह्मांड बना भगवान ने अपने देह से अनेक जलधाराओं को प्रकट किया और जब सारी सृष्टि में जल हो गया तो उसी जल के ऊपर भगवान ने शयन किया शीश सैया के ऊपर नार कहते हैं जल को अयन कहते हैं घर को जल ही जिसका घर है नाम पड़ा नारायण फिर इस नारायण ने सोचा परमात्मा ने सोचा कि अभी भी मैं अकेला हूं कोई तो हो साथ तो भगवान ने अपने नाभि से कमल को प्रकट किया और उस कमल के पुष्प के ऊपर चतुर्मुखी ब्रह्मा को प्रकट किया ब्रह्मा जी को जब कमल पुष्प पर प्रकट किया तो ब्रह्मा जी ने सोचा मुझे प्रकट करने वाला कौन कोई तो होगा मेरी सृष्टि करने वाला जिसके द्वारा मैं प्रकट हुआ हूं चारों ओर देखा कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया तो कमल के स्तंतु में प्रवेश किया युग युगांतर बीत गए लेकिन उसके अंत का पता ना चला ब्रह्मा जी हताश होकर वापिस आए सोच रहे थे क्या करूं कैसे पता चले मेरा जन्मदाता कौन है तो दो अक्षर सुने दो वर्ण सुने
स्प्रसी सूयत सोडस में विंसम निष्किंचनानाम नृप यद धनम विदु। दो वर्ण सुने ता पा, सोलवा और इक्कीसवा वर्णमाला का सोलवा अक्षर और इक्कीसवा अक्षर ता, सोलवा है ता, इक्कीसवा है पा। तप 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 करो तो पता चलेगा, और तप से भैया सब कुछ हो सकता है। क्या तप बल रचई प्रपंच विधाता, 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 तप बल विष्णु सकल तप बल विष्णु सकल जगताता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करहि सं बल शेष धरहि माहि भारा, तप बल शेष धरहि माहि भारा, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच। जैसे ही तप किया नारद जी ने, ब्रह्मा जी ने, तो महाराज भगवान नारायण प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। ब्रह्मा जी तुम्हें प्रकट करने वाला मैं हूं, ये सारी सृष्टि को बनाने वाला मैं हूं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
इसी धरा से शरीर पाए, 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 इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, है सत्य नियम यही धरा का, 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 एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, 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 जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, 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 वही तो वापस बुला रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, राधा रमण लाल की हो, बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो आम की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए में
हरिडाल हर पाते में समा करे, हरिडाल हर पाते में समा करे, हरिडाल हर पाते में समा करे। फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि तैना रहे, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे, वही सृष्टि चला रहे, वही सृष्टि चला। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज नारद ब्रह्मा जी को भगवान ने चार गूढ़ श्लोक बताए। ब्रह्मा जी को कहा, ये सारी सृष्टि मुझसे बनी है, और सारी सृष्टि में बनने के बाद भी मैं शेष बचता हूँ, सारी सृष्टि में मैं हूँ, और सारी सृष्टि का जब लय हो जाता है तब भी शेष में ही बचता हूँ। इसी चतुर्श्लोक की भागवत कहते हैं। इन्हीं चार श्लोकों से महर्षि वेदव्यास ने 18,000 श्लोकों की रचना की। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यद् सद्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत् सोऽस्म्यहम् हृत्यर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत् चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयवैतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हे ब्रह्मा जी, इस सारे संसार में मैं ही मैं हूं, जाओ आप सृष्टि का संचालन करो, सृष्टि को बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे अभिमान ना हो जाए प्रभु, आजकल तो छोटा सा चपड़ासी बन जाए तो अपने आप को डायरेक्टर समझता है, हैं? कहीं मेरे अंदर अभिमान ना हो जाए। तो भगवान ने कहा, इस सारे सृष्टि का निमित्त कारण भी मैं हूं और उपादान कारण भी मैं हूं, इस सारे सृष्टि में मैं ही मैं हूं,
मेरे अलावा और कुछ नहीं है, ध्यान रखना। ये सब जो पांच तत्व हैं, इन पांच तत्वों में मैं हूं, इसलिए इससे निर्माण होता है। यदि मैं इसमें ना रहूं तो कुछ नहीं हो सकता। चिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। ये जो शरीर बना है, चींटी का, हाथी का, घोड़े का, मछली का, इंसान का, ये कैसे बना? इन्हीं पांच तत्वों से। इसलिए सब में मुझको देखो। और जो हर जगह मुझको देखता है वो कभी अभिमान करता नहीं। हम कहते हैं ना, अरे वो मुझे प्रणाम कर रहा है, वो हमें प्रणाम नहीं कर रहा है। अगर हमको प्रणाम करता तो मरने के बाद भी क्यों नहीं कर रहे, हमको रखते घर में? ये प्रणाम हमको नहीं है, ये प्रणाम हमारे अंदर बैठे उस परमात्मा को। और ये परमात्मा यदि हमसे निकल जाए तो कौन पूछे हमको? ये जो जिव्या बोल रही है तब तक बोल रही है जब तक गोविंद ने कृपा की, और वो कृपा ना करे तो बोल नहीं सकती। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और मारा सृष्टि को बढ़ाना प्रारंभ किया। नेत्रों से मरीचि, हृदय से भृगु, सिर से अंगीरा, व्यान से पुलह, अपान से क्रतु, समान से वशिष्ठ बनाए, प्राण से प्रजापति, उदान से पुलस्य बनाए, और श्रोत से मुनि अत्रि बनाए, गोदी से नारद जी को प्रकट किया और सृष्टि को बढ़ाने लगे। चार पुत्रों को पैदा किया मन से, ये कौन है? सनकादिक ऋषि। इनको कहा सृष्टि में बढ़ाने में हमारी सहायता करो, तो सबने मना कर दिया, हमारे वश की नहीं। क्रोध में भर गए। जब सनकादिक ऋषियों ने मना किया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, और जैसे ब्रह्मा जी को क्रोध आया, ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से एक रुद्र प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की जय। रुद्र को कहा सृष्टि बनाओ तो रुद्र ने ऐसी भूतों की सृष्टि बनाई, महाराज हाहाकार मच गया। किसी के चार चार सिर तो किसी का एक सिर भी नहीं, किसी की आंख महाराज पेट पे लगा दी तो किसी की चार चार पांच पांच आंखें लगा दी, भूतों की सृष्टि प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा बस बंद करो, आप रहने दो ये भूतों की सृष्टि, ये भूत मुझे ही खा जाएंगे। फिर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दो भाग किए, वाम अंग से शत्रुपा और दाहिने अंग से मनु महाराज को प्रकट किया। इन दोनों का विवाह किया और महाराज मनु महाराज को कहा जाओ सृष्टि को बढ़ाओ। मनु महाराज को कहा सृष्टि बढ़ाओ, लेकिन मनु महाराज सृष्टि बढ़ाएं कैसे? क्यों? सृष्टि जलमग्न है, धरती जलमग्न है, प्रलय काल में पृथ्वी रसातल में चली गई है। और रसातल से बाहर लाएं कैसे? तो उसके लिए एक बहुत सुंदर कथा है, लेकिन मैं उस कथा को सुनाने से पहले आप सबसे एक चीज पूछना चाहता हूं। आप एक बात बताओ, भगवान किसको जल्दी मिलते होंगे? बोलो ना, बोलो भैया। कोई पढ़ा लिखा हो उसको मिलते होंगे क्या? बहुत ज्यादा पढ़ जाए उसको भगवान मिलते होंगे? ये प्रश्न सुखदेव जी परीक्षित से पूछ रहे हैं कि राजन भगवान किसको जल्दी मिलते होंगे? कोई उम्र का बड़ा उसको मिलते होंगे, कोई जाति का बड़ा उसको मिलते होंगे, कोई पांच पांच बार नहाता उसको मिलते होंगे क्या? हैं? नहीं मिलते। अगर पढ़े लिखे को भगवान मिलते तो हाथी को कैसे मिल गए? वो तो कौन से कॉलेज में गया? सबरी ने कौन सा वेद पढ़ा, गणिका ने कौन सा यज्ञ किया, बताओ उसको कैसे मिल गए? अगर ऊंची जाति वालों को मिलते तो का जाति विदुरस्य यादव पते, फिर विदुर की जाति, वो तो दासी का पुत्र था, उसको कैसे मिल गए? कुब्जा को कैसे मिल गए? यदि सुंदर लोगों को ही भगवान मिलते, कुछ लोग कहते हैं हम बहुत सुंदर हैं हमको भगवान मिल जाएंगे, तो कुब्जा को कैसे मिल गए? तो कुबड़ी थी तीन जगह से। अमीर को ही मिलते, कोई बोले बहुत पैसे वाला है महाराज, हम तो वो जी यहाँ के मंत्री हैं जी, हमको भगवान मिल जाएंगे, हम प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, तो क्या पैसे वाले को भगवान मिल जाते हैं?
अगर पैसे वाले को भगवान मिलते तो भगवान पैसे वालों की तिजोरी में बंद होते आज। तो भगवान किसको मिलते हैं? भक्त्या तुष्यति केवलम। भगवान किससे संतुष्ट होते हैं? भक्ति से। जो भक्ति करे भगवान उसको मिलते हैं। जाति पाति को पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि को हुई। जो हरि को भजता है भगवान उसका है। प्रेम यदि आपके अंदर हो, कैसा प्रेम? निष्काम प्रेम, सकाम नहीं, निष्काम प्रेम। क्योंकि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से जो जन भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव की कथा सुनाएं आपको। एक सेठ जी थे, सेठ जी, वृंदावन की बात है, बरसाने के पास एक सेठ जी रहते थे। उसके पास तीन बेटे थे। कितने बेटे? तीन। बेटी उसके पास नहीं थी। उन सेठ जी ने बहुत प्रयास किया कि बेटी हो जाए। देखो आजकल के लोग तो महाराज, बेटी घर में है तो बेटे के लिए दर दर पे सर फोड़ते हैं, लेकिन धन्य हैं वो लोग जो बेटी के लिए भी तप व्रत करते हैं। बहुत तप किया, व्रत किया, लेकिन बेटी नहीं हुई महाराज। एक दिन एक संत की शरण में गए वो सेठ जी। सत्संग में जाते थे, कहा गुरुदेव आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, लेकिन घर में बेटी नहीं। वो जो संत थे बरसाने में रहते थे, संत ने कहा सेठ जी ये लाडली जी हमारी श्री राधिका, आप इनको बेटी बना लो ना, और ये ऐसी बेटी बनेंगी कि आपको दुख नहीं देंगी, आपको सुख देंगी। हो सकता है दुनिया की बेटियां दुख दें, आजकल की बेटियों को देख रहे होंगे आप, एक ना एक वीडियो रोज आ जाती है सामने, वो अपने माँ बाप की इज्जत को उतार के महाराज नंगा नाच नाचती। ऐसी बेटी ना हो तो अच्छा है, लेकिन ये राधिका, ये वृषभान दुलारी, ये लाडली जी, इसको आप अपनी बेटी बनाओ। सेठ जी ने मन में भाव किया आज से ये वृषभान दुलारी हमारी बिटिया है, हम अपनी बेटी की तरह इसको रखेंगे। अब तो महाराज एक नन्ही सी लाडली जी को घर में ले आए, उसका नित्य सेवा भोग आरती सब होती। समय बीता, बहुत साल हो गए, एकदम से कुछ नहीं होता। 12 साल हो गए निष्काम भाव से किशोरी जी की सेवा करते हुए सेठ जी को। एक दिन क्या हुआ, सेठ जी के यहां रिश्तेदारी में कहीं शादी वगैरह का समारोह था, तो वहां जाना था सबको। सेठ जी की तीनों बहुओं ने कहा सुनो पिताजी, हमने शादी में जाना है तो थोड़ा मनिहारन को भेज देना, चूड़ी वूड़ी पहननी हमने। सेठ जी ने मनिहारन को कहा हमारे घर जाके चूड़ी पहना देना। मनिहारन घर आई, तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाई, और तीनों बहुएं जब चूड़ी पहनकर चले गई तो एक नन्ही सी गुड़िया आ गई, और उस नन्ही सी गुड़िया ने मनिहारन की ओर हाथ किए, मुझको भी चूड़ी पहना दो। मनिहारन ने उस नन्ही सी गुड़िया को भी चूड़ी पहना दी, और जैसे चूड़ी पहनाई तो मनिहारन चूड़ी पहना करके लाला जी की दुकान पर गई, सेठ जी के पास गई। सेठ जी मैंने आपके यहां कितने हाथ चूड़ी पहनाई है? 8 हाथ चूड़ी पहनाई। सेठ जी ने कहा झूठ बोलती है, मेरे घर में तो 3 बहू है। उस मनिहारन ने कहा सेठ जी मैंने आपके घर में 8 हाथ चूड़ी पहनाई, मुझे 8 हाथ के पैसे चाहिए। सेठ जी को तो गुस्सा आ गया, मैं तुझे पैसे तो दे दूंगा लेकिन तू तो मुझसे झूठ बोलती है, तूने चूड़ी पहनाई 6 हाथ को, 8 हाथ के पैसे मांगती है। सेठ जी ने कहा मैं घर जाके पूछूंगा। सेठ जी ने सोचा कोई पड़ोस का आ गया होगा, उसको चूड़ी पहना दी होगी। अब महाराज
घर आई सेठ जी, बबू से पूछा कितने हाथ चूड़ी पहनी, बबू ने कहा हम ही थी 3-6 हाथ चूड़ी पहनी। सेठ जी सो गए, मणिहारन चले गई वापिस, धमका दिया मणिहारन को, झूठ बोलती है। मणिहारन बेचारी बोले मैंने सच में चूड़ी पहनाई है सेठ जी। सेठ जी ने कहा पकड़ 6 हाथ के पैसे और जा। मणिहारन बेचारी रोती हुई चली गई। रात में सेठ जी सोए, लाडली जी से बात करते थे रोज, और बिटिया ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं, भोग भोग की व्यवस्था ठीक की बबू ने की नहीं की, अब हम बात करके सो गए। और जैसे ही रात को 2 बजे आज सेठ जी को सपने में श्री किशोरी जी ने दर्शन दिए, लेकिन कैसे दर्शन दिए, मुख घुमाकर बैठ गई। सेठ जी ने कहा बिटिया आज अपने बाबा से नाराज है, कोई गलती हो गई। किशोरी जी कहती है मैंने तो आपको अपना बाबा मान लिया था, लेकिन आपने तो मुंह को अपनी बेटी नहीं माना। सेठ जी कहते हैं क्या बात करती हो लाडली, तेरे सिवा मेरा है कौन, तू तो मेरी प्राण प्रिया है, तू तो मेरी प्राण है, तुझको मैं अपनाऊंगा नहीं, ये कैसे हो सकता है। एक दिन नहीं बीतता, एक क्षण नहीं बीतता जब मैं तेरा ध्यान ना करूं। लाडली जी कहती हैं बाबा यदि तुम मुझे अपनी बिटिया मानते तो चूड़ी वाली को आज पैसे देने से मना ना करते, मैं तो घर में हूं, और जब सब भाभियों ने चूड़ी पहनी तो मेरा मन भी हुआ मैं भी चूड़ी पहनूंगी, और मैं चूड़ी पहनने आई और तुमने मणिहारन को पैसे नहीं दिए बाबा, इसका मतलब यह है तुमने मन से मुझे अपना नहीं माना। सेठ जी की नींद खुल गई। आज राधिका जी जा रही हैं बाहर, बाबा तुमने मुझे मन से नहीं अपनाया। स्वप्न में है सेठ जी उठे, पकड़ लिया हाथ, और क्या कह रहे हैं, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, 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 मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना। आज सेठ जी कहते हैं राधिका कैसी जीऊं मैं तुम्हारे बिना, मुझसे अपराध हो गया लाडली, मुझसे भूल हो गई, मैंने बहुत पाप किए, अरे मेरे जीवन में एक पाप आर और जुड़ गया, मैंने अपनी बिटिया को आज रुला दिया, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना
ठिकान नहीं। तेरी प्रीति क्या होती है जाना नहीं, तेरी प्रीति क्या होती है जाना नहीं, तेरी प्रीति क्या होती है जाना नहीं, तेरी प्रीति क्या होती है जाना नहीं। शरण दे दो मेरे अवगुण निहारे बिना, शरण दे दो मेरे अवगुण निहारे बिना, शरण दे दो मेरे अवगुण निहारे बिना, शरण दे दो मेरे अवगुण निहारे बिना। कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना। कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना। शिव जी कहते हैं श्री राधिका मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम यदि चली जाओगी तो मैं प्राण त्याग दूंगा। आज शिव जी की आंखों में अश्रु है, चरण पकड़ लिए लाडली झुके और क्या कहते हैं शिव जी, शिव जी कहते हैं हे लाडली जी मुझे क्या सिखा दो, मोहे प्रीति की रीत सिखा दो प्रिया, मोहे प्रीति की रीत सिखा दो प्रिया, मोहे प्रीति की रीत सिखा दो प्रिया, मोहे प्रीति की रीत सिखा दो प्रिया। अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया, अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया, अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया, अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया। जीवन नीरस अखियों के तारे बिना, जीवन नीरस अखियों के तारे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना। पतवार तुम ही तो हो, प्यारी पतितों के पतवार तुम ही तो हो, प्यारी पतितों की पतवार तुम ही तो हो, प्यारी पतितों की पतवार तुम ही तो हो। दीन दुखियों की आधार तुम ही तो हो, दीन दुखियों की आधार तुम ही तो हो, दीन दुखियों की आधार तुम ही तो हो, दीन दुखियों की आधार तुम ही तो हो।
अब मैं जाऊं कहां तेरे द्वारे बिना, अब मैं जाऊं कहां तेरे द्वारे बिना, कैसे जीऊं मेरा धरनी तेरे बिना, कैसे जीऊं मेरा धरनी तेरे बिना, मेरा मन ही न लागे तुम्हारे 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 बिना, कैसे जीऊं मेरा धरनी तेरे बिना, कैसे जीऊं मेरा धरनी तेरे बिना, कैसे जीऊं मेरा धरनी तेरे बिना। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, जब हमारा संबंध गोविंद से हो जाता है तो वो भी हमारे बिना रह नहीं पाता। जैसे हमें उसे देखने की चाह तड़प होती है, ऐसे उस गोविंद को भी हमको देखने की तड़प होती है। हम रोज मंदिर जाएं ना और एक दिन ना जाएं तो वो भी हमारा इंतजार करता है, लेकिन हम 6 महीने में एक बार जा रहे हैं तो कौन आया कौन जाने। रोज एक नियम होना चाहिए उसको याद करने का, जैसे आप सांस लेना नहीं भूलते ना, ऐसे उसका नाम भी मत भूलो। और जो उसको याद रखता है भगवान उसको याद करते हैं। ऐसे याद किया किसको, जब भगवान अपनी लीला स्मरण करके जा रहे थे तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने जाते हुए विदुर को याद किया। उद्धव से कहा, उद्धव दुनिया में इतने भक्त हैं, सब मेरी सेवा करते हैं लेकिन सेवा के बदले कुछ ना कुछ मांगते हैं, सबको मुझसे कुछ ना कुछ चाहिए। जिस जिसने मेरा तप किया, जप किया, नाम जपा, उसने कुछ ना कुछ मुझसे मांगा, लेकिन विदुर एक ऐसा भक्त है जिसने आज तक मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं, उसने कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तूने ऐसा क्यों कर दिया माधव। हम तुम्हारा रोज भगवान के सामने एक इतनी बड़ी लिस्ट खड़ी कर दे, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। अरे हो गया तो हो गया, जिसका जैसा कर्म वैसा उसका फल। लेकिन हम अपने कर्मों को ध्यान नहीं रखते और उस भगवान के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते। लेकिन विदुर एक ऐसा भक्त है जिसने भगवान को कभी नहीं कहा ऐसा क्यों हो गया। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव अब मैं जा रहा हूं लेकिन आज मुझे मेरे विदुर की बड़ी याद आ रही है। उद्धव जहां भी तुम्हें मेरा प्यारा विदुर मिले उससे मेरी सारी बात कहना, मेरा ये ज्ञान जो आज मैं तुम्हें दे रहा हूं मेरे विदुर को देना। भगवान से आज्ञापित होकर उद्धव जा रहे थे, बद्रिकाश्रम सरस्वती नदी के किनारे विदुर से भेंट हो गई। एक ज्ञानी भक्त है, दूसरा नितज्ञ भक्त है। उद्धव जैसा ज्ञानी कोई नहीं हो सकता और विदुर जैसा नितज्ञ कोई नहीं। विदुर नीति आज भी महाराज सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। दोनों का मिलन हुआ, एक दूसरे को अंक से भर लिया, आलिंगन कर लिया। उद्धव कहते विदुर तुम धन्य हो, और विदुर कहते उद्धव तुम भाग्यवान हो। विदुर कहते उद्धव तुम्हें भगवान का सामिप्य मिला है, तुम्हें भगवान का सानिध्य मिला है। और उद्धव कहते विदुर मैं गोविंद के समीप अवश्य रहा लेकिन वो याद तो तुमको करते थे। हम भगवान को कितना याद करते हैं ये मायने नहीं रखता, वो हमको कितना याद करता है। भगवान यदि हमको याद करे तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। आज उद्धव जी ने विदुर को भगवान की बाल चरित्र किशोर चरित्र सारी कथा सुनाई। वो सब ज्ञान जो भगवान ने दिया था आज उद्धव ने विदुर को कहा।
विद्रोह के मन में संशय है, विद्रोह और जानना चाहते हैं। उद्धव ने कहा, विद्रोह जी मुझे भगवान ने इतनी आज्ञा दी है, यदि आप कुछ और जानना चाहते हो तो भगवान के परम प्रिय भक्त हैं एक ब्राह्मण हैं, नाम क्या है? मैत्रेय मुनि। आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए, हरिद्वार में उनका आश्रम है। विद्रोह जी मैत्रेय मुनि के पास आए और मैत्रेय मुनि ने जैसे ही विद्रोह जी को आते हुए देखा तो महाराज दौड़ लिए, गले से लगा लिया। विदुर है दासी के पुत्र और मैत्री मुनि है ब्राह्मण, लेकिन आहा जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जो भगवान को भजता है लेकिन अभिमान से नहीं, जिसके अंदर सरलता है, जो कहता है प्रभु में कुछ नहीं, तू ही तू, तेरे अलावा कुछ नहीं है, तो भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। मैत्र मुनि से विदुर जी पूछते हैं, भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? भगवान किसी को कष्ट देते हैं, किसी को सुख देते हैं, क्यों? भगवान ने कभी वाहरा अवतार बना लिया, कभी नरसिंह का अवतार बना लिया, क्यों? तो मैत्र मुनि कहते हैं कि भगवान ने ये जो सृष्टि बनाई है ये भगवान की क्रीड़ा भूमि है, इसमें अनेक लीलाएं करके भगवान प्रमुदित होते हैं, आनंदित होते हैं। हम सब इस क्रीड़ा भूमि के रंगमंच की कठपुतलियां हैं महाराज, और हम अपने किरदार को यदि सही ढंग से निभाएं तो भगवान बड़ा आनंदित होता है। भगवान किसी को दुख नहीं देता, ये दुख और सुख हमारे अपने कर्मों की उपज है। को न कहो सुख दुख करदाता, 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 निज प्रीत करम भोग सब भ्राता, निज कृत करम भोग सब भ्राता, निज प्रीत करम भोग सब भ्राता, निज कृत करम भोग सब भ्राता, को न कहो सुख दुख करदाता, को न कहो सुख दुख करदाता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं। अगर आप सोचें कि मैं इसको सुख दे रहा हूं, मैंने ये दे दिया, मैंने वो दे दिया, ये भ्रम है। आप किसी को कुछ नहीं दे रहे हो, मैं किसी को कुछ नहीं दे रहा हूं, ये सुख और दुख हमारे अपने कर्मों का फल है। जिसने महाराज पहले गलत काम किए उसको दुख मिल रहा है, और जिसने अच्छे काम किए उसको सुख मिल रहा है। और यदि हमको सुख भी मिल रहा है दुख भी मिल रहा है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ पाप भी हमसे हुआ है और उस पाप का फल हमको भोगना पड़ रहा है। भगवान की सारी कथाएं बता रहे हैं, मैत्रेय मुनि कैसे सृष्टि बनी पूरा प्रसंग विस्तार से सुनाया, 10 सर्गों का विस्तार से वर्णन किया, काल का निरूपण किया। अब भगवान ने वाहरा रूप क्यों बनाया वो कथा सुनाई। भगवान किसी को बचाते हैं किसी को मारते हैं, इस कथा के माध्यम से सुनो भैया। भगवान कभी किसी को नहीं मारते, जो वेद विहित मार्ग पर चलता है, जो वेद ने मार्ग बताया उस पर जो चले भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और जो निषिद्ध मार्ग पर चले वो मृत्यु को प्राप्त होता है, पाप फल भोगता है। वाहरा भगवान का अवतार कैसे हुआ तो एक कथा सुनाई। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां हैं, कितनी? 13। उसमें से दिति जो है वो सबसे बड़ी है। एक बार संध्या के समय दिति ने कश्यप जी से आग्रह किया, क्या आग्रह किया? मुझे संतान चाहिए और उसके लिए मुझे अभी संसर्ग करना है, संतान उत्पत्ति करनी है,
कश्यप जी ने समझाया, दीति ये संध्या का समय है, इस समय संतान उत्पत्ति हेतु यदि संसर्ग किया जाए तो इससे आसुरी संतान उत्पन्न होगी। क्यों? भगवान शंकर के जो गण है वो इस समय विचरण करते हैं। संध्या के समय चार चीजें वर्जित होती हैं, सोना, भोजन, मैथुन और स्वाध्याय। क्यों है वर्जित? आहारे जायते व्याधि गर्भ दुष्टश्च मैथुने निंद्रायाम हरते लक्ष्मी स्वाध्याये मरणम ध्रुवम। आहारे जायते व्याधि, संध्या के समय भोजन करने से, गौधूली के समय जो भोजन करता है उससे बीमारी होती है, उससे बीमारी व्याधि। और भैया गर्भ दुष्टश्च मैथुने, यदि आप संतान उत्पत्ति के लिए मैथुन करते हैं तो उससे दुष्ट संतान उत्पन्न होती है। निद्रायाम हरते लक्ष्मी, संध्या के समय जो गौधूली बेला में सोता है उसकी लक्ष्मी क्षीण हो जाती, चली जाती, नष्ट हो जाती। इसलिए कभी भी 4:30-5 बजे के बाद और 7 बजे के मध्य सोना नहीं चाहिए। स्वाध्याय मरणम ध्रुवम, जो शाम के समय पढ़ता है उसकी विद्या उसके काम नहीं आती। शाम के समय पढ़ना वर्जित है। शाम का समय, संध्या के समय क्या करना चाहिए? बच्चों को खिलाना चाहिए, थोड़ा खेल आए, बड़ी खेले, इधर उधर खेले, उससे नींद अच्छी आएगी, भोर में जल्दी उठें। लेकिन आजकल उल्टा है, बच्चे महाराज शाम को तो पढ़ते हैं और सुबह को सोते हैं 10 बजे तक, उल्टा है। इसलिए महाराज जो बुद्धि में बात घुसती नहीं, मानी नहीं दीति तो क्रोध में भर गई। कश्यप जी कहा तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, दोनों दुष्ट होंगे। अब तो रोने लगी दीति, मुझे दुष्ट नहीं चाहिए। प्रार्थना की, मुझे क्षमा करो, गलती हो गई। तो कश्यप जी ने कहा ये बीज का प्रभाव कहां ले जाऊं, जबरदस्ती करोगे तो उसका कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ही होगी। जब दीति ने प्रार्थना की तो कश्यप जी ने कहा तुम्हारे 2 पुत्र होंगे लेकिन इनका उद्धार भगवान के हाथों से होगा, और तुम्हारे 1 पुत्र के घर में 1 भक्त प्रकट होगा, भक्त का जन्म होगा जो तुम्हारे कुल को ताड़ देगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की, उसका नाम प्रहलाद होगा। अब माने दीति का गर्भ बढ़ने लगा, देवताओं में त्राहिमाम होने लगा, क्योंकि दीति के गर्भ से जो तेज निकल रहा था उससे इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी कौन है दीति के गर्भ में, इसके ताप से हम अभी जल रहे, कौन है ये? ब्रह्मा जी ने कहा ये साधारण नहीं है। ए तो पार्षदो मह्यं जयो विजय एव च कदर्थे कृत्यमाम यद्दो बहवक्राता मति क्रमम। ये जो दीति के गर्भ में 2 बालक हैं, ये जय और विजय हैं, जो सनकादिक ऋषियों के द्वारा श्रापित हैं। पूछा कैसे? तो एक बार सनकादिक ऋषि भगवान नारायण से मिलने के लिए वैकुंठ गए, और जैसे ही वैकुंठ में प्रवेश कर रहे थे तभी जय विजय ने रोका, ठहरो। सनकादिक ऋषियों ने कहा क्यों रोक रहे हो हमको? तो जय विजय ने कहा हम देखकर आते हैं, भगवान ने अभी राज भोग लिया है, थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, पूछ के आते हैं। अब तो क्रोध में भर गए सनक आदि ऋषि। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। तुमने भगवान के पास जाने से भक्त को रोका है, चलिए जाओ। तुमने दुष्टों का काम किया है, आसुरी काम किया है, तुम असुर योनि में जन्म लोगे, श्राप दे दिया। क्रोध में भर गई। और देखो वैकुंठ, वैकुंठ का अर्थ क्या है? जहां कुंठा ना हो, किसी के प्रति कुभाव ना हो, वैकुंठ। और वैकुंठ में यदि किसी के मन में कुभाव आ गया तो जा नहीं सकता। उस सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार क्रोध में भर गए, श्राप दे दिया, तो वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला, भगवान बाहर आ गए। कहा मेरे पार्षदों ने ये जो अपराध किया ये मेरा अपराध है, अब क्षमा करो। तो सनक आदि क्यों ने कहा आपका अपराध है, आप ही के द्वारा इनकी मुक्ति होगी, जाओ आपको भी श्राप देते हैं, आपको भी अवतार लेना पड़ेगा।
शुद्ध हो गई शनकादिक, वहां से वापस चले गए। क्रोध से तप नष्ट हो जाता है। देखो यदि हम क्रोध करें, एक क्षण क्रोध किया तो एक दिन का तप नष्ट, एक दिन का व्रत आपने किया और शाम को क्रोध कर लिया तो बेकार, वो तप उस दिन का बेकार। पांच मिनट आपने क्रोध कर लिया तो एक साल की पूजा पाठ बेकार। और कुछ कुछ लोग तो पूरे दिन भर मत्थे पर बल चढ़ाए रखते हैं गुस्से में महाराज, और फिर पूजा पाठ भी करते हैं उसका कोई लाभ? प्रेम से कह दो राधे राधे, राधे राधे कह दो। क्रोध नहीं करना चाहिए। समय बीता और महाराज द्युति के गर्भ से दो बालकों ने जन्म लिया, एक का नाम हिरणाक्ष रखा और एक का नाम हिरणाकश्यपु। हिरणाकश्यपु माने अभिमान और हिरणाक्ष माने लोभ, जो दूसरे के सोने पर अपनी नजर रखे वो हिरणाक्ष। अरे उसके गले में बड़ी सुंदर चैन है भैया, मेरी होती तो बढ़िया था, मुझे मिल जाती तो बढ़िया था। ये महाराज हिरणाक्ष। सारी एक बार मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले कि सृष्टि जब प्रलय हुई तो धरती रसातल में चली गई, जलमग्न हो गई, सब देवता आकाश में विचरण करते। हिरणाक्ष हर किसी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहता, इंद्र सिंहासन छोड़कर भाग गया। नारद जी एक दिन वीणा बजाते हुए आ रहे थे, नारद जी को पकड़ लिया हिरणाक्ष से। हिरणाक्ष ने, ये वीणा ही बजाते रहोगे कि युद्ध करना भी आता है? नारद जी ने कहा महाराज मुझे लड़ना तो नहीं आता, लड़ाना जरूर आता है, मैं लड़ा दूंगा आपको। हिरणाक्ष ने कहा किससे? तो कहा रसातल से एक वाहरा पृथ्वी को ला रहा है। ये वाहरा कैसे प्रकट हुआ? तो जब पृथ्वी रसातल में चले गई, ब्रह्मा जी चिंतन कर रही थी, छींक आई और जैसे छींक आई तो सामने वाहरा भगवान प्रकट है। बोले वाहरा भगवान की। वाहरा भगवान से ब्रह्मा जी ने निवेदन किया प्रभु आप पृथ्वी को रसातल से लाइए। और भगवान वाहरा भूमि को लेने जा रहे थे, भूमि को लेकर जैसे ही लौटे तो रास्ते में हिरणाक्ष मिल गया। यहां भगवान का हिरणाक्ष के साथ युद्ध हुआ और भगवान ने एक कर्णमूल को हिरणाक्ष के कर्णफूल पर मारा, मारा कर्णमूल पर और उद्धार कर दिया। बोले हिरणाक्ष मर्दन भगवान की। पृथ्वी को स्थापित कर दिया और महाराज मनु और शत्रुपा के द्वारा सृष्टि मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। ब्रह्मा जी के एक पुत्र हैं, इनका नाम है कर्दम। क्या नाम है भैया? कर्दम। कर्दम का अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो। क्या कर लिया हो? दमन, जिसकी इंद्रियां जिसके बस में हो, कर्दम। एक बार ब्रह्मा जी ने कहा कर्दम जी सृष्टि का संचालन करो तो कर्दम जी ने पहले मना कर दिया। देखो कोई कितना ही बड़ा तपी हो, कितना ही बड़ा जपी हो, लेकिन ये मन का कुछ पता नहीं कब किसका डोल जाए। विश्वामित्र ने 60,000 वर्षों तक तप किया लेकिन मेनका आई, ऐसी पायल बजाई कि महाराज विश्वामित्र का तप चला गया। सौवरी ऋषि थे, उन्होंने 60,000 वर्षों तक तप किया, कहां? जल के अंदर। लेकिन एक मत समस्या को देख लिया, संसर्ग करते हुए और काम भाव जाग गया और फिर महाराज विवाह किया सौवरी ऋषि। ऐसे ही कर्दम जी भी तप कर रहे थे और तप करते करते एक बार सोचा कि क्यों ना मैं भी विवाह कर लूं, सबके बच्चे हैं, परिवार हैं, पत्नी हैं और हम जंगल में पड़े हुए हैं, बताओ यहां जो चींटा चींटी हैं वो भी परिवार उनका होता है और हम तो मनुष्य हैं, हमारा तो परिवार होना चाहिए। इसी भाव से कर्दम जी ने तप किया, भगवान को प्रकट किया और भगवान जब प्रकट हो गए तो कर्दम जी ने आज भगवान की दिव्य झांकी देखी और झांकी को देख करके मुग्ध हो गए। भगवान ने कहा कर्दम जी क्या चाहते हो? तो कर्दम ने कहा भगवान अब आपके दर्शन हो गए, क्या चाहना है? भगवान हंसने लगे, विवाह के लिए तप किया है कर्दम जी और कहते कुछ नहीं चाहिए। कर्दम जी ने कहा प्रभु मुझे विवाह नहीं करना है, अब तो आपके दर्शन हो गए। तो भगवान ने कहा अरे महाराज मैं तो आपका रिश्ता तय कर आया हूं, मनु महाराज की पुत्री है, देव होती, उनके साथ में आपका संबंध तय करके आया हूं। अब तो कर्दम जी मुस्कुराए और थोड़ी लज्जा से सर नीचे किया, भगवान मुझे विवाह नहीं करना,
भगवान कह रहे मन मन भावे मुंडी लावे, मन से तुम्हारे चाह रहे हो कि विवाह हो जाए, ऊपर से मुंडी ला रहे हो। भगवान ने कहा तो कर्दम जी ने कहा, प्रभु जब आप मेरा विवाह तय करके आए हो तो मैं आपकी बात को टालूंगा नहीं, लेकिन आपको एक वरदान देना पड़ेगा। भगवान ने कहा कहो, ब्रह्म द्रोही वरदान मांगो। कर्दम जी ने कहा प्रभु आपको मेरे घर में मेरा बालक बन के आना पड़ेगा, मेरा बेटा बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा तथास्तु। देवहूति आई मनु महाराज के साथ और कर्दम जी के साथ विवाह हुआ, लेकिन विवाह के दिन ही समाधि में बैठ गई और 40 वर्ष की समाधि लगी। 40 वर्ष तक देवहूति कर्दम जी की सेवा करती रही। आज की बेटी होती तो अपने माई के चल जाती, बोले ऐसे पति का क्या करना जो ब्याह के दिन ही बाबा बन गया, है ना, मेरे बाप के पास बहुत है, वो घर चली जाती। लेकिन धन्य है माँ देवहूति, स्त्री का आभूषण सोना चांदी नहीं है तो क्या है भैया, नक्षत्र भूषणम चंद्र नारीणाम भूषणम पति ही। जैसे नक्षत्रों का आभूषण चंद्रमा है, वैसे ही स्त्रियों का आभूषण उनका पति है। यदि पति साथ में है तो कितने ही आप गरीब स्थिति में हो, चाहे आपने नकली माला पहनी हो तब भी अच्छी लगेगी, और आपका पति नहीं है साथ में तो आप चाहे डायमंड के हार बना लो अच्छे नहीं लगेंगे। पति से स्त्री की शोभा है। 40 वर्षों तक सेवा की, समाधि खुली, कर्दम जी ने देखा एक बुढ़िया सामने बैठी है, पूछा देवी जी कौन है आप, तो देवहूति कहती है याद करो महाराज, आज से 40 वर्ष पूर्व एक राजा आए थे, अपनी बेटी का हाथ आपको सौंप के गए थे। ओहो याद आया, देवहूति तुम ये स्थिति 40 वर्ष कैसे बिताए, पत्ते खाकर, फल खाकर, कभी कभी पानी पीकर, जो राजकुमारी थी महाराज वो बैरागिनी बन गई। संतुष्ट हुए कर्दम जी, तुष्टो हमत्य तब मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहृत्सुदेहो नावेक्षित समुचित शपितुं मदर्थे। देवी तुम धन्य हो, तुमने अपनी सेवा से आज मेरा हृदय जीत लिया है। आंखें बंद कराई देवहूति की, हाथ में जल लिया, छीटा मारा महाराज। वहीं एक तालाब था बिंदु सरोवर, 9 मंजिला विमान खड़ा हो गया। सबसे पहला विमान कर्दम जी ने बनाया। भारत की ऋषि बड़े महान है, ऋषि माने रिसर्च करने वाले, है ना। 9 मंजिला एक विमान हो गया, कामग विमान इसका नाम है। क्या नाम है? कामग विमान। बिंदु सरोवर में स्नान किया तो कर्दम जी बन गई 20 साल के और देवहूति बन गई 16 साल की। सुंदर रमण किया, एक पुत्र चाहते थे लेकिन समय बीता और एक बेटे के चक्कर में 9 बेटियां हो गई। 9 बेटियां होगी, कर्दम जी ने सोचा कि मैं तो आया था, विवाह इसलिए किया था, ग्रस्त में इसलिए आया था कि भगवान का प्राकट्य हो गया, यहां तो 9 बेटी हो गई। लेकिन ध्यान रखो ये 9 बेटी कौन है, ये 9 बेटी है नवधा भक्ति। जब भक्त के जीवन में नवधा भक्ति आती है तभी भगवान का आगमन होता है। जब तक नवधा भक्ति ना आ जाए तब तक भगवान नहीं आ सकते। 9 बेटियां हुई, नाम क्या क्या इनका, कला अनुसूया श्रद्धा हविर्भू गति क्रिया ख्याति अरुंधति और शांति। ये 9 बेटियां हैं। 10वें बेटे के रूप में भगवान कपिल देव का प्राकट्य हुआ। बोले कपिल देव भगवान की जय। ब्रह्मा जी आए, उनके पुत्र भी आए, 9 ऋषि आए, 9 ऋषियों के साथ कर्दम जी की 9 बेटियों का विवाह हो गया। कर्दम जी ने कहा अब बेटियों का तो विवाह हो गया है, अब मैं वन को जाता हूं। भगवान को प्रणाम किया और वन में चले गए। भगवान की उस दिव्य झांकी को अपने हृदय में धारण करके कर्दम जी ने भगवान की चरण शरण ग्रहण की।
माँ देवहूति कपिल देव भगवान के साथ रह रही। एक दिन कपिल देव भगवान जब बड़े हुए, इन्होंने दर्शन शास्त्र का निरूपण किया, सांख्य शास्त्र इसको कहते हैं। मां देवहूति ने एक बार ऊंचे सिंहासन पर कपिल देव भगवान को बिठाया और भगवान के शिव चरणों में प्रणाम किया। वो लोग मूर्ख होते हैं जो बहती गंगा में आचमन नहीं करते। देखो हमारे बगल में कथा हो रही है लेकिन हम कथा में नहीं जाते, मूर्खता है। देवहूति ने आज भगवान कपिल देव को ऊंचे सिंहासन पर बिठाया और कहा, बेटा तुम बड़े विद्वान हो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। क्या पूछना चाहती हूं मां, मैं आपको बताऊंगा क्या? तो देवहूति कहती है, निर्विष्ण नित राम भूमन नसिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन न प्रपन्नांधम तम प्रभो। हे प्रभु, ये मेरा जो इंद्रियां हैं ये मेरे बस में नहीं है, ये मुझे अपनी ओर खींचती हैं, और मिल जाए और अच्छा हो जाए और बढ़िया हो जाए, इन इंद्रियों को कैसे संयमित करूं, इनको कैसे अपने नियंत्रण में लाऊं? एक प्रश्न और पूछना है मुझे, बंधन किसका होता है, शरीर का, मन का, आत्मा का, किसका होता है बंधन? ये मैं आपसे पूछना चाहती हूं। भगवान ने कहा, मां आप परम विदुषी हैं। ये बड़ा दिव्य संवाद है, इसमें 3 घंटे बीत सकते हैं लेकिन हम स्पर्श करेंगे, कथा में आगे भी बढ़ना है, कल भगवान का प्राकट्य होना है। मां आप सब कुछ जानने वाली हो, आप परम विदुषी हैं, लेकिन फिर भी जितना मैंने जाना है मैं आपसे जरूर कहूंगा। कपिल देव भगवान कहते, मां यदि अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना चाहती हो तो मां उसके कुछ उपाय हैं। अष्टांग योग के माध्यम से आप अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हो। अष्टांग योग क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। यम माने अपने इंद्रियों को दमन करना। हमारा मन कर रहा है कि हम कुछ ऐसा खाएं कि बस थोड़ा सा जीव में रस बढ़िया हो जाए, उसी समय नीम के 2 पत्ते रख लो महाराज, जीव कहेगी अरे ये तो बड़ा बेकार है, मैं तो मीठा मांग रही थी इसने कड़वा दे दिया। तो धीरे धीरे आपकी जीव की मांगने की आदत छूट जाएगी। और यदि नहीं मानता मन, मीठा खाना ही खाना है, तो पहले भगवान को चढ़ाओ और फिर उसको खाओ। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता है। इस दुनिया में जो कुछ भी है उसमें गुण भी है और दोष भी है, लेकिन उसका दोष समाप्त हो जाता है जब वो चीज भगवान के शिव चरणों में चढ़ जाती है। तो इंद्रियों का रुख मोड़ दो। इंद्रिय आपके बस में नहीं है, गाना सुनना चाहते हैं कान, तो गाने के जगह भजन सुनाओ गोविंद के। श्रृंगार करने का मन है तुम्हारा, सुंदर टीका लगाओ, तुलसी की माला पहनो, सुंदर कपड़े पहनो और बिहारी जी के सामने खूब नृत्य करो। आंखें कहीं सुंदर देखना है तो आंखों को सुंदर दिखाओ, मेरे ठाकुर की छवि दिखाओ। हाथ कहीं ये त्वचा कहीं स्पर्श सुख चाहिए तो गाय के पीठ पर हाथ फिराओ महाराज। धीरे धीरे आपका मन, आपकी इंद्रियां परिवर्तित हो जाएंगी भोग से योग की तरफ। और मां बंधन आत्मा का नहीं होता, बंधन किसका होता है? मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयो बंधाय विषयाशंगो मुक्ते हे निर्विषय मनः। मन एव मनुष्याणाम, ये मन का बंधन है महाराज। मन से ही मुक्ति होती है और मन से ही बंधन होता है। ये मन चाबी है महाराज, ये चाबी
जब संसार की तरफ मुड़ जाए तो बंधन हो जाता है, और जब भगवान की तरफ मुड़ जाए तो बंधन खुल जाता है। मोक्ष महाराज, कुछ कहते हैं महाराज जी मोक्ष कैसे मिलेगा, मरने के बाद मोक्ष मिलता है क्या? बोलो ना, प्रेम से कह दो राधे राधे, बताओ मोक्ष कैसे मिलता होगा, मरने के बाद कि मरने से पहले? पहले मिलता है। ऐसा कौन कह रहा है जो बाद में मिलता है? मोह का क्षय होना ही मोक्ष है। जब हमारा मोह का क्षय हो जाए, जब तक हमारे मन में मोह है तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। और जिसको जीते जी मोक्ष नहीं मिला उसे मरने के बाद भी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। चाहे आजकल तो लोग क्लास ले रहे हैं महाराज, हमारे यहाँ 7,000 रुपये की क्लास है, हम तुमको मुक्ति दिला देंगे। अपने आप मुक्त नहीं हुए, दूसरे को दिलाएंगे। आजकल तो वो एक अलग ही क्लास चल रही है आपके, हम चक्र को क्या बोलते हैं उसे, हाँ चक्रों को जागृत कर देंगे। ये कुछ नहीं है, ये चक्कर के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, चक्रधारी के चक्कर में पड़ो तो सारी चक्रों से मुक्त हो जाओगे। उस गोविंद के चक्कर में पड़ जाओ, किसी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। बंधन मन का होता है मां, और इस बंधन से मुक्ति के लिए, इस मन को गोविंद में लगाने के लिए आपको संतों का संग करना पड़ेगा। कैसे संत? संत की पहचान क्या है? आजकल तो सबने टीका धोती लपेटी, और संत महाराज वो विधर्मी भी महाराज पैसा मांगने के चक्कर में गेरवा वस्त्र धारण करके कहते हैं कि हम भी साधु हैं। जो विपरीत परिस्थिति में भी सम रहे वो संत है। तितिक्षु, जिसके अंदर धैर्य है, जो सहनशील है वो संत है। ऐसे थोड़ी कि आपने 10 रुपए नहीं दिए तो आपको श्राप देने को तैयार, हाथ में जल तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, वो संत नहीं हो सकता। जो पैसा मांगे और ना देने पर आपको भय दिखाए वो संत नहीं है। तितिक्षु, कारुणिक, एक तो सहनशील हो और दूसरा करुणा हो। किसके प्रति? एक के प्रति नहीं, नहीं अरे ये हमारे आश्रम में बड़ी दूर से आई, इन्होंने 1,00,000 रुपए चंदा दिया, इनके प्रति बड़ी दया है, ये नहीं महाराज। तो क्या समत पेन, सबके प्रति करुणा हो जीव के। यदि गाय के प्रति हमारे हृदय में दया है तो कुत्ते के प्रति भी दया होनी चाहिए, बकरे के प्रति भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गाय को तो कह रहे हैं मत मारो और बकरे को काट काट के खा रहे हो, क्यों? उसके अंदर प्राण नहीं है क्या? बोलो ना। हम कह रहे हैं गाय हमारी माता है, तो उस मुर्गे ने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा? बोलो ना। समत्पेन सर्वात्मा, सभी आत्माओं में परमात्मा का दर्शन जो करे, ऐसे संतों के चरण शरण को ग्रहण करो मां, उससे तुम्हें पता चलेगा परमात्मा क्या है, भगवान की लीला क्या है। और भगवान की लीला, भगवान की माया को जो समझ जाए वो इस माया में उलझता नहीं है। क्यों? जाने बिनु ना कोई परतीति, 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 बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, 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 जाने बिनु परतीति, जाने बिनु परतीति। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। दो चीजें होती हैं, एक जानना और एक पहचानना। देखो रास्ते से कोई आ रहा है, दूर से देखा अरे कोई आ रहा है, हम जान रहे हैं लेकिन पता तो नहीं कौन है। तो जान और पहचान में बड़ा भेद है। हम बोलते हैं हाँ हमारी जान पहचान है जी, उससे
जान पहचान तो कह देते हैं लेकिन समझो तो बहुत भेद है इतना लंबा। जानना वो कोई आ रहा है कौन है पता नहीं, यह है जानना। लेकिन पहचानना उसको अंतर बिल्कुल नजदीक से, कौन है, क्या स्वभाव है, कहाँ रहता है, गुण क्या है, अवगुण क्या है, ये है पहचानना। हम जानते तो हैं लेकिन पहचानते नहीं, और पहचानेंगे कब, जब हम सत्संग में जाएंगे। हम भगवान को तो जानते हैं, भगवान है लेकिन पहचानते नहीं। हम कहते हैं मंदिर में ही है महाराज है? हम बिहारी जी से बड़ा प्रेम करते हैं पर कहाँ जाके, वृंदावन जाके, पड़ोस में मंदिर है कन्हैया का, कभी वहां मत्था टेकने नहीं जाते। अरे बोलो ना। और ये क्या है, ये भगवान की वैष्णवी माया है, ये भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने हमको उलझा दिया है। जहां पर ऐश्वर्य ज्यादा है वहां हमारी श्रद्धा बढ़ती है, वैष्णो देवी जाएंगे महाराज, यहां बगल में दुधा देवी का मंदिर है वहां जाके कभी नारियल नहीं चढ़ाएंगे, क्यों, वहां ऐश्वर्य ज्यादा है। हम आजकल भगवान के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं, हम ऐश्वर्य के पीछे दौड़ रहे हैं। गुरु किसको बनाएंगे, जिस गुरु के पीछे बहुत लंबी लाइन लगी हो, बहुत ज्यादा भीड़ हो। अरे हमारे गुरुजी बड़े ऊंचे हैं, जिन गुरुजी को तुम छू भी नहीं सकते, जिन गुरुजी से तुम अपने मन की बात नहीं कह सकते, जिन गुरुजी को बैठकर तुम अपना दुख नहीं सुना सकते। हम कहते हैं हमारे गुरुजी बहुत बड़े हैं। कैसे बड़े हैं भाई, भगवान की माया को जो समझ जाए वो माया में लिपटता नहीं है। बाबा तुलसी कहते हैं, नट कृत बिकट कपट खगेराया, नट कृत बिकट कपट खगेराया, नट कृत बिकट कपट खगेराया, नट कृत बिकट कपट खगेराया। नट सेवक हीना व्याप ही माया, नट देव व्याप माया, नट सेवक हीना व्याप माया, नट सेवक व्याप प्रेत विकट कपट खगेराया, प्रेत विकट कपट खगेराया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। उस भगवान की माया को जो समझ जाए वो माया में उलझता नहीं, जैसे नटकृत विकट कपट खगेराया। आहा, काक बसुंडी जी को कैसे, जैसे जादूगर होता है ना जादूगर, वो जादूगर जादू दिखाता है मंच पे, सारी सभा बैठी ताली बजाती है, कभी गर्दन काट दे तो इमोशन हो जाए, महाराज रोने लगते हैं, हैं? वो महाराज कबूतर निकाल दिया, खुद ताली बजाते हैं, लेकिन बगल में उसका शागिर्द खड़ा होता है, वो चुपचाप रहता है, उसको ना तो हंसी आती ना वो दुखी होता, क्यों, क्योंकि वो सब समझता है कि ये कुछ नहीं है, सब ड्रामे कर रहा है, ये उल्लू बना रहा है सबको, है ना। तो ऐसे ही भगवान की सन्निधि में जो भक्त संत हैं, जो चरण शरण को भगवान की स्वीकार कर चुके हैं, जो भगवान में अपने मन को लगा चुके हैं, वो भगवान की माया को जानते हैं, और उनकी सन्निधि में बैठकर उनके सत्संग को सुन करके हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। माँ भगवान के चरणों का ध्यान करें। माँ ने पूछा, प्रभु भगवान के मंदिर जाएं तो क्या करें, सबसे पहले दर्शन कैसे करें। तो कपिल देव भगवान कहते हैं, मां भगवान के जब मंदिर जाएं तो सबसे पहले भगवान के चरणों का ध्यान करें। क्यों, क्योंकि भगवान के चरणों में जो आयुधों के निशान है, शंख जो चक्र अंकुश वज्र पाश ये जो अस्त्र बने हैं ध्वजा, इनसे हमारे पाप क्षीण होते हैं, धीरे धीरे चरणों से घुटनों का जंघा का
कटी क्षेत्र का, वक्षस्थल का, ग्रीवा का, और उसके बाद भगवान के मुखमंडल का दर्शन करना चाहिए। लेकिन हम करते क्या है, सीधा जाकर भगवान के मुख को देखते हैं, और भगवान का मुख देख करके हमारे पुण्य क्षीण होते हैं, इसलिए चरणों को देखना चाहिए ताकि पाप क्षीण हो जाएं। चरण से फिर मस्तक को देखें, भगवान के हंसते हुए चेहरे को। हासम हरे बनता खिल लोक तिब्रा, शोका सुसागर विशोषण मत्युदारम, सम्मोहनाय रचितम निज माययाश्य भूमंडलम मुनि कृते मकर ध्वजस्य। उस गोविंद के मंद मंद मुस्काते विग्रह का दर्शन करें। मेरे भगवान को आज तक आपने कभी रोते हुए नहीं देखा होगा। गोविंद का जन्म कारागार में हुआ, पालन गोकुल में हुआ, नंद बाबा के यहां पले बड़े, 7 दिन में पूतना मारने आ गई, 3 महीने में शंकासुर आ गया, तृणाव्रत आ गया, इतने सारे दुख, लेकिन भगवान को अभी रोते हुए नहीं देखा। प्राण प्रिया श्री राधिका जी से बिछो 700 साल का, पूरे 100 साल का, लेकिन कभी रोए नहीं, हमेशा मुस्कुराते रहे। भगवान हमको शिक्षा देना चाहते हैं कि जीवन में जैसा भी संकट आ जाए मुस्कुराते हुए उसको सामना करो, ये नहीं कि थोड़ा सा दुख आया और रोना शुरू कर दिया। भगवान कहते हैं सारी दुनिया के लौकिक धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः, सभी लौकिक धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, महाराज जी कोई उपाय बता दो ना, वो बिल पत्र कौन सा कैसा चढ़ाएं, उस पर शहद लगाएं कि चंदन लगाएं कि चावल लगाएं कि तिल चढ़ाएं कि, अरे आप बिल पत्र चढ़ाओ लेकिन इस कामना से नहीं कि मेरा ये काम सिद्ध हो जाए। भगवान भोलेनाथ को प्रिय है, और हमारे प्रियतम को जो प्रिय है हम वही काम करेंगे। ऐसा करोगे तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। परमात्मा हकीकत में है, वो झूठ नहीं है, इसलिए सत्यम परम धीमहि, उस सत्य है, उस सत्य को हमेशा प्रणाम करें, उसका हर जगह दर्शन करें। भक्ति कौन सी है जो कहें कि मुझ में तो भगवान है और मंदिर में भगवान नहीं है, ऐसे बाबाओं से सावधान। जो बाबा कहे कि भैया राम की पूजा बंद कर दो और मेरी पूजा शुरू कर दो, समझ जाओ गड़बड़ हो रहा है। भगवान की फोटो को तो फेंकवा रहा है और अपनी इतनी बड़ी मूर्ति लगवा रहा है, अरे बोलो ना, कहता है ये भगवान का लॉकेट उतार दो और मेरा पहन लो। वो अभी कच्चा है, पक्का नहीं है। क्यों? भगवान क्या कहते हैं, हर जगह जो मुझे देखे। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्तितः सदा, तमवज्ञाय मामृत्यः कुरुते अर्चा विडम्बनम्। जो हर जगह मुझको देखे वो मुझे प्रिय है। जो गाय में भी देखे, कुत्ते में भी देखे, तो बकरे में भी मुझको देखे, तो मुर्गे में भी देखे, अपने बच्चे में भी देखे, तो पड़ोसी के बच्चे में भी मुझको देखे। मां देवती ने कहा गर्भ में बड़ा आनंद रहता होगा भगवान, तो कपिल देव भगवान कहते हैं गर्भवास समम दुखो न भूतो न भविष्यति, जैसा दुख गर्भ में होता है ऐसा कभी नहीं हो सकता। बड़ी सुंदर ज्ञान चर्चा कपिल देव भगवान के साथ मां देवहूति कर रही हैं। भगवान कपिल देव कहते हैं दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख,
ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इसलिए माँ सब कुछ छोड़ करके केवल क्या करूं, भगवान का भजन करूं। हरी भजले हरी भजले हरी भजने का मौका है, हरी भजले हरी भजने का मौका है, हरी भजले हरी भजले हरी भजने का मौका है, हरी भजने हरी भजने का मौका है, हरी गुण गा हरी गुण गा ये मौका भी अनोखा है, ओ हरी गुण गा हरी गुण गा ये मौका भी अनोखा है, हरी भजले हरी भजले हरी भजने का मौका है, ओ हरी भजने हरी भजने का मौका है, अभी भजले यहीं भजले यहीं भजने का मौका है, ओ अभी भजले यहीं भजने अभी भजने का मौका है, तू भूल बैठा है, संग तो तेरे एक ही है जिसे तू भूल बैठा है, संग तो तेरे एक ही है जिसे तू भूल बैठा है, संग तो ही है जिसे तू भूल बैठा है, उसी को याद करता जा उसी से पार होता है, उसी को याद करता जा उसी से पार होता है, हरी भजले हरी भजले हरी भजने का मौका है, ओ हरी भजले हरी भजने का मौका है, हरी गुण गा हरी गुण गा ये मौका हरी गुण गा
पिता बंधु कोई तेरा नहीं होगा। सखी माता पिता बंधु कोई तेरा नहीं होगा। सखी माता पिता बंधु कोई तेरा नहीं होगा। ओ सखी माता पिता बंधु कोई तेरा नहीं होगा। इसे अपना तू समझा है वही तो सार झूठा है। जिसे तू अपना समझा है वही तो सार झूठा है। हरी भजने हरी भजने का मौका है। हरी भजने हरी भजने हरी भजने का मौका है। का मौका है।
सच्चिदानंद भगवान की जय। हरी भजले हरी भजने का मौका है, ये मौका है भैया, ये भारद्वाज परिवार ने दिया आप सबको, इसका खूब फायदा उठाओ। और भगवान ने हम सबको एक मौका दिया है मनुष्य देह में, और इस मनुष्य शरीर में आकर के भी यदि हम भगवान का भजन ना करें तो कोई लाभ नहीं। माँ देवहूति को ऐसा दिव्य ज्ञान दिया कि माँ देवहूति द्रवित हो गई। जब भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो भक्त द्रवित हो जाता है, उसको अपनी भावना प्रकट करने के लिए फिर शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, उसे स्तुत पढ़ने की जरूरत नहीं होती, उसकी आंखों से अपने आप भक्ति की धारा फूट जाती। आज मां देवहूति का देह द्रवित होकर बहने लगा। कपिल देव भगवान ने सिद्धा नाम की उस नदी से, सिद्धा नाम की नदी बन गई, उस जल का आचमन किया और वहां से सीधा चले गए। कहां भैया, कहां गए? गंगा सागर। हे भगवान, कितनी बार कथा सुनी आप लोगों ने। गंगा सागर गए, वहां ध्यान समाधि लगाई, मां देवहूति का वंश आगे नहीं बढ़ा। देवहूति की दो बहनें और हैं, एक का नाम है आकुति और एक का नाम है प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहन है उसका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ, और आकुति नाम की जो बहन है उसका विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ। तो रुचि प्रजापति के साथ जिनका विवाह हुआ उनके घर में भगवान का अवतार हुआ। कौन से? बोलिए यज्ञदेव भगवान की जय। और दक्ष प्रजापति के घर में 16 कन्याओं का जन्म हुआ, अलग अलग मनमंत्रों में अलग अलग कथाएं। 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ, एक कन्या का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ जिसका नाम है, क्या बोला? यज्ञ करते हैं तो क्या कहते हैं? स्वाहा। अग्निदेव की पत्नी कौन है? स्वाहा। एक कन्या का विवाह पितरों के साथ हुआ, पितरों के साथ जिसका विवाह हुआ उसका नाम क्या है? स्वधा। और एक कन्या का विवाह मेरे भोलेनाथ के साथ हुआ, इनका नाम क्या है? शती। एक बार दक्ष को प्रजापति की उपाधि से विभूषित किया गया, सब देवता आए, सम्मान सभा थी, सब खड़े हुए लेकिन तीन देव बैठे रहे, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इससे दक्ष क्रोधित हो गया और भगवान शंकर को अपमानित करने के भाव से एक यज्ञ किया। इस यज्ञ का नाम है वाजपेय यज्ञ। सबको निमंत्रण दिया, भगवान शंकर को नहीं दिया। मां शती कैलाश पर निवास करती हैं भगवान के साथ, लेकिन देवियों का स्वभाव आप जानते हो, देवियों का स्वभाव क्या होता है? माताओं का स्वभाव, जहां थोड़ी खटपट होगी वहां कहेंगी अरे बहन नहीं चल रही हो क्या, तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला। मां शती से कहती हैं, शती तुम नहीं चल रही हो अपने पिता के यज्ञ में? शती ने कहा आ रही हूं, तुम चलो तो सही, मैं तैयार होकर आ रही हूं। सब विमान में भर भर जा रहे हैं। चलत विमान कोलाहल हुई, जय रघुवीर कहत सब कोई। सब विमान में बैठकर जा रहे हैं। भगवान शंकर से आज्ञा मांगी, लेकिन भगवान ने कहा कि शती आवत ही हरसे नहीं और नैनन नहीं स्नेह। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे नेह, चाहे सोने चांदी की बारिश हो लेकिन वहां मत जाओ। कहां? आवत ही हर्षे नहीं, जहां हमारे जाने से वो हर्ष से ना भूल जाए। नैनों में आंखों में जिसके स्नेह ना दिखे वहां मत जाओ, वहां अनहोनी घट सकती है। सती को बहुत समझाया, सती नहीं मानी। भगवान शिव ने अपने गणों के साथ सती को भेज दिया और जैसे ही वहां पहुंची तो आज सती ने देखा सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले ही
मिले एक माता तो सागर भले मिले एक माता भगरी मिली बहुत मुँह से काता भगनी मिली बहुत मुस्कता भगनी मिली बहुत मुस्कता भगनी मिली बहुत मुस्कता सादर भले शिवानंद भगवान जय सादर भले ही मिली एक माता। जैसे अपने मायके में गई, देखो मायका कैसा होता है, मायके में लड़की कभी भी जा सकती है, पिताजी बुलाएं चाहे ना बुलाएं। सती ने यही कहा था भगवान से कि पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर, भगवान की कथा में चाहे कोई बुलाए चाहे ना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन महाराज सती जैसी मायके पहुंची तो किसी ने देखा भी नहीं, दक्ष ने तो मुख घुमा दिया। मां ने आज अपनी बेटी को गले लगाया, बहनें मिल रही हैं लेकिन भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। एक तो मुस्कुराकर मिलना हुआ, एक बहुत मुस्कुराकर मिलना हुआ। तो मुस्कुराकर मिल रही मतलब स्नेह है और बहुत ज्यादा। हाँ आ गई सती, तुम्हारे पति अभी भी नंगे घूमते हैं कि कुछ कपड़े अपने पहनने आए, उनको अब भी राक लपेटते हैं पाउडर की जगह, मजाक करते हैं माना। बहुत मुस्कुराता यानी अपमानित कर रही है सती को। सती ने देखा कोई बात नहीं, लेकिन जैसे यज्ञ मंडप पर प्रवेश किया तो देखा सब देवताओं के भाग लगे हैं लेकिन भोलेनाथ का कोई भाग नहीं। अब तो क्रोध में भर गई, दक्ष से कहने लगी, अभिमानी दक्ष, जिस भगवान के नाम से यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं तुमने उसका भाग नहीं रखा, ये यज्ञ तुम्हारे जीवन का बड़ा भयंकर यज्ञ होगा, इससे तुम्हारा सर्वस्व नाश हो जाएगा। जिस स्थान पर मेरे पति का अपमान हो मैं वहां एक क्षण नहीं रुक सकती, लेकिन मैं क्या करूं, मैं लौट कर वापिस कैलाश भी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि महेश मुझसे पूछेंगे, आओ दक्ष कन्या कैसा स्वागत हुआ, मैं क्या जवाब दूंगी। क्रोध से भरी है आज सती। सती ने कहा मेरा मरना उचित है दक्ष, जब तक इस देह का संबंध तुमसे रहेगा तब तक मैं अपमानित होती रहूंगी, इसलिए मैं तुमसे संबंध विच्छेद करती हूं। और संबंध विच्छेद कब होगा, ये जब देह नहीं रहेगा, क्योंकि देह तुमने दिया है। आजकल बेटी कहती है पिताजी हमारा कोई संबंध नहीं तुमसे, बेटा भी कह देता है। लेकिन भैया अगर संबंध नहीं रखना तो इस देह को नाश कर दो ना, जिस देह को तुम लिए फिरते हो, क्योंकि ये शरीर मां बाप से मिला है। आत्मा जायते पुत्र, आत्मा से पुत्र का जन्म होता है। और हम कह देते हैं महाराज कि हमारा कोई संबंध नहीं है, अपने प्रेम प्रसंग को दिखाने के लिए हम मां पिता के उस संबंध को भूल जाते हैं। आहा, अरे ये बोलने की जो अकल आई है ना तुम्हें मां बाप ने दी है, ये जो बड़बड़ करते हो ना, ये कहते हो महाराज मैं कर लूंगा, ये शरीर मां पिताजी ने दिया है, यदि पिताजी से संबंध विच्छेद करना है तो पहले इस शरीर को नाश करो, ये मां बाप के द्वारा मिला है, उस भगवान की सामर्थ्य नहीं। मैं बार बार कहता हूं, थोड़ा अभिमानी शब्द है लेकिन मैं डरता नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सामर्थ्य नहीं है कि बिना मां बाप के हमको पैदा कर दे, कर सकता है क्या? उसको भी आने के लिए मां बाप चाहिए, उसको भी राम बनना है तो पहले दशरथ चाहिए, कौशल्या की कई सुमित्रा चाहिए, उसको कृष्ण बनना है तो मां देवकी और वसुदेव चाहिए, यशोदा और नंद बाबा चाहिए, बिना मां बाप के वो कुछ नहीं कर सकता, वो नहीं आ सकता, सामर्थ नहीं है। इसलिए पहले पूजा मां पिताजी की, पहले मां बाप का सम्मान करो तब भगवान की पूजा करो। और आप भगवान की तो पूजा कर रहे हैं और मां बाप को भूखों मरने के लिए छोड़ देते हैं महाराज।
माँ बाप को अकेले छोड़ देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और हम कहते हैं हम पढ़ लिख लिए महाराज, पढ़े लिखे नहीं हैं, अभी बहुत पढ़ना बाकी है। जब तक किसी की वेदना ना पढ़ सको तो वेद पढ़ने का कोई लाभ नहीं। वेद पढ़ना आसान है और वेदना पढ़ना मुश्किल है, और वेदना पढ़नी जिस दिन आ जाए महाराज काम बन जाएगा। अश्वती ने अपने देह को समाप्त करने के लिए योग अग्नि को प्रकट किया और योग अग्नि में अपने देह को भस्मीभूत कर लिया। शिव गणों ने जब मां अश्वती को अपने देह को नष्ट करते हुए देखा तो क्रोध में भरकर यज्ञ को विध्वंस करने लगे। भृगु मुनि ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया और शिव गणों पर छोड़ दिया। हजारों देव प्रकट हो गए, शिव गणों को मार मार भगाने लगे। नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को पता चला और भगवान शंकर क्रुद्ध हो गए। भगवान शंकर ने अपने शीश से एक जटा उखाड़ी, शिला पर पटकी और उस जटा से एक वीर प्रकट हुआ। बोले वीरभद्र महाराज की जय। और वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। क्रोध से भरा वीरभद्र आया और दक्ष के यज्ञ में हाहाकार मच गया। यज्ञ को विध्वंस किया, दक्ष आया, दक्ष के शीश को धड़ से अलग करके यज्ञ अग्नि में आहूत कर दिया। भृगु को पकड़ लिया, भृगु की दाढ़ी उखाड़ दी, पूषा के दांत तोड़ दिए, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। देवताओं में त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगा। जैसे ही दक्ष के सर को यज्ञाग्नि में डाला, देवताओं ने भगवान नारायण की प्रार्थना की और सबने मिलकर भगवान शंकर को मनाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः। बोले शंकर भगवान की। शंकर भगवान की स्तुति की, भगवान शिव प्रकट हुए। और भगवान भोलेनाथ कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करुणावतारम, करुणा के सागर हैं भोलेनाथ। जल्दी रीत जाते हैं, देवताओं ने स्तुति की तो मान गए। दक्ष के धड़ को बकरे के सर से जोड़ लिया। आज दक्ष ने सुंदर स्तुति की, भगवान मुझसे गलती हो गई, मैं अभिमानवश आपका अपमान किया। यज्ञ को पूर्ण किया भगवान ने, सती के देह को उठा करके भ्रमण करने लगे। भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के देह को खंड खंड में विभक्त किया और जहां जहां सती माता के ये शरीर के टुकड़े गिरे वहां वहां एक एक शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। बोले जगदम्बा मैया की जय। 51 शक्तिपीठ है हमारे भारत में, वैसे पूरे विश्व में 108 शक्तिपीठ। आगे कथा सुनाते हैं, सुखदेव जी किसकी, मनु महाराज की तीन बेटियां थी, उनका वंश तो सुना दिया, अब दो बेटा भी हैं, प्रियव्रत और उतानपाद। उतानपाद का अर्थ होता है जिसने अपने अच्छे कर्मों से समाज में अपने पद को ऊंचा किया हो, और एक अर्थ होता है उतानपाद यानी उल्टा, जिसका सर नीचे हो पैर ऊपर हो। तो उतानपाद कौन है?
आप और हम सब उतानपादी हैं, हम भी माँ के गर्भ में उल्टे ही रहते हैं। और उस उतानपादी की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। हमारी भी सबकी दो हैं, है? आप पूछना घर जाके पति देव से, दूसरी पत्नी कहाँ है? प्रेम से कह दो राधे 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 राधे। सुनीति का अर्थ क्या है? सुष्टु नितिरस्य सह सुनीति, जो वेद विहित मार्ग पर चले, जो नीति से चले वो सुनीति। और सुरुचि का अर्थ क्या है? स्वस्य रुचिरस्य सह सुरुचि, जो अपने रुचि के हिसाब से चले। उतानपाद जीव, और इसकी दो पत्नियां कौन? एक तो मन और एक बुद्धि। मन अपने हिसाब से चलना चाहता है, हां कि ना, लेकिन बुद्धि कहती नहीं नहीं गलत बात है। हमारे पैर लंबे होते हैं ना कथा की तरफ, तुरंत बुद्धि कहती नहीं नहीं भैया पैर लंबे मत करो, व्यासपीठ की तरफ नहीं करने चाहिए। लेकिन मन कहता है कोई बात नहीं, अरे रहने दो ना, दर्द हो रहा है ना। ये है सुरुचि, जो अपने हिसाब से चलना चाहे। कथा तो बड़ी लंबी है, उसको थोड़ा समझते हैं। इस कथा को जानते हैं आप, सुनीति का पुत्र है ध्रुव। देखो जो नीति के हिसाब से चलेगा उसके, ध्रुव का अर्थ क्या होता है बोलो ना, क्या होता है, है? बोलो ना, अडिग, जिसका कभी क्षय ना हो, अक्षय पद ध्रुव, जो कभी डिगे ना, जो नीति के हिसाब से चलेगा वो कभी गिरेगा नहीं, अक्षय पद को प्राप्त कर लेगा। और सुरुचि के एक बेटा होते हैं, उसके नाम है उत्तम। यानी मन क्या चाहता है? और बढ़िया, उत्तम, और अच्छा, और अच्छा, और अच्छा, वो कभी शांत नहीं होता। तो एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में जाने के लिए लालायित होते हैं। एक दास सुरुचे पुत्रम अंक मारुप्य लालयन उत्तमम नारुरुक्षंतम ध्रुवम राजाभिनंदतः। उत्तम को लेकर राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे, ध्रुव जाने का प्रयास करने लगे, तुम्हारे सुरुचि ने फटकार लगाई, तुम इस गद्दी के अधिकारी नहीं हो, उतरो नीचे। बालोसि बतनात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद भवान्यस्य दुर्लभर्थे मनोरथा। तुमने अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लिया, इसलिए तुम इसके अधिकारी नहीं, जाओ भगवान का भजन करो, भगवान का तप करो, भगवान प्रसन्न हो जाएं तो कहना मुझे मां सुरुचि के गर्भ से प्रकट करो, मेरा जन्म मां सुरुचि के गर्भ से हो। आज सुरुचि ने अपने गर्भ की महिमा को भगवान से भी बड़ी बताया। लोग तप जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, किस लिए? कि गर्भ में ना आना पड़े। और सुरुचि कहती भगवान का भजन करो, क्यों? क्योंकि गर्भ में आना पड़े। आज भगवान का भी अपमान कर दिया। रोते हुए ध्रुव ने मां से कहा, मां मैं सुरुचि से एक एक बात का बदला लूंगा। लेकिन सुनीति कहती है, बेटा किसी के बारे में अपशब्द ना कहो, उसने ठीक तो कहा है, तूने मुझे दुर्भागा के गर्भ से जन्म लिया, यदि सुरुचि के गर्भ से तेरा जन्म होता तो तुझे राज्य मिलता, इसलिए उसने ठीक कहा है, भगवान का भजन करो, क्योंकि भगवान की गोद में जो बैठ जाए उसे वहां से कोई उतार नहीं सकता। जाओ तुम भगवान का भजन करो, क्यों? पुत्रवती कौन है? बाबा तुलसी कहते हैं, पुत्रवती युवती जगे सोई, पुत्रवती युवती जगे सोई, पुत्रवती युवती जगे सोई, पुत्रवती युवती जगे सोई। रघुपति भगत जासु सुते होई, रघुपति भगत जासु सुते होई, रघुपति भगत जासु सुते होई, रघुपति भगत
जासु सुत होई। ओ प्रेमती युवती जगे सोई, ओ प्रेमती युवती जग सोई। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बेटा जाओ वन में तप करो, भगवान को प्रसन्न करो। ध्रुव ने कहा माँ तो मुझे वन जाने को कहती हो, तो कहते हैं बेटा माँ वही है जिसका बेटा जिसकी बेटी भगवान के चरणों का दास हो, नहीं तो ऐसे बेटा होने से क्या लाभ। वन में गई लेकिन गुरु बिन भवन दिता रही ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई, बिना गुरु के पार हो सकता है कोई? कोई नहीं हो सकता। वो नन्हा सा 5 साल का ध्रुव, कितने साल का? 5 साल का, वन में जा रहा है। नारद जी ने देखा ये छोटा सा बच्चा वन में जा रहा है, कैसे भगवान को प्रकट करेगा? और नारद कौन है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान दे वो नारद। नारद जिसकी बात कभी रद्द नहीं हुई, जिसको नारद जी के दर्शन हुए उसे भगवान के दर्शन अवश्य हुए। तो क्या हमें नारद जी के दर्शन नहीं हुए तो हमें भगवान के दर्शन नहीं होंगे क्या? नहीं होंगे। कैसे होंगे? जो ये संत हैं ना, जो हरि चरणों में नित्य अपने आप को रमाए हैं, जो हरि की चर्चा करते हैं, वो नारद ही है। इनकी बातों पर विश्वास करके अपने जीवन के रथ को उस मार्ग पर लगाना है जिसे भक्ति कहते हैं, और भगवान अवश्य मिलेंगे। नारद जी ने आज ध्रुव को मंत्र दिया। ध्रुव से पहले पूछा था नारद जी ने, जंगल में जाकर खाओगे क्या? है ना, आजकल हमको खाने पीने की बड़ी चिंता रहती है ना। अब यात्रा में भी जाएं तो 2-4 थैले अपने खाने के भरे होते हैं, नमकीन कुरकुरे चिप्स अलाना सब कुछ भरे होते हैं। लेकिन धन्य है ध्रुव। ध्रुव क्या कहता है? जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कुछ और भी देगा, जान को देत अजान को देत, जहान को देत सुमो को भी देगा। जब मेरे दांत नहीं थे तो माँ के वक्ष स्थलों में दूध दे दिया, देखो कितनी चिंता है उसको। और दांत दिए तो देखो महाराज अनेक प्रकार की भोज्य सामग्री, कितने फल, कितने प्रकार का अन्न, और फिर भी हम कहते हैं भगवान ने दिया क्या है हमें। जान को देत अजान को देत, जो उसको मानता है उसको भी देता है और जो उसको नहीं मानता उसको भी देता है। भगवान उठाता जरूर भूखा है लेकिन सुलाता कभी भूखा नहीं। जिसके हाथ नहीं है ना वो भी छक्के सोता है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कोई भूखा सोया हो। कोई ना खाए वो बात अलग है, जानबूझ के झगड़ा करके मैंने नहीं खाना आज वो बात अलग है, लेकिन भगवान व्यवस्था सबकी करता है। आज नारद जी के द्वारा मिले मंत्र से देखो, सबने गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, कथा सुनने का अधिकारी भी दीक्षित होता है, लेकिन यदि दीक्षा ना मिले तो आप इस मंत्र को जप लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र ही है महाराज, गुरु दीक्षा ही है समझ लो। इस मंत्र का जाप किया और 5 महीने की कठोर साधना से आज ध्रुव ने अपने प्राण वायु को ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर दिया। पंचमे मास्य नो प्राप्ते चित श्वासोन पात्मजः ध्यायन ब्रह्म पदे केन तस्थो स्थाणो रिवाचलः। और जैसे अपने ब्रह्मरंध्र में प्राण वायु को ध्रुव ने रोका, देवताओं के प्राण रुक गए। देवता दौड़कर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी हमें सांस नहीं आ रही है। ब्रह्मा ने कहा मेरा भी यही हाल है, चलो भगवान की शरण में। नैवं विदामो भगवन् प्राण रोधम चराचरस्य अखिल सत्वधाम्नः
विदेहि तन्नो वृजिनादि मोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। प्रभु हम आपके शरण में, हमारे प्राण क्यों रुक रहे हैं, हमें सांस नहीं आ रही है प्रभु, क्या करें। भगवान ने कहा चिंता न करो, मेरा एक नन्हे से भगत ने तप किया है, अपने प्राण वायु को ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर दिया है, मैं उसको देखने जाता हूँ। क्या कह रहे हैं भगवान, मैं उसको देखने जाता हूँ। 5.5 साल के ध्रुव को मिलने के लिए भगवान आए, भगवान ध्रुव के सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव आंखें नहीं खोल रहा है। क्यों? क्योंकि ध्रुव ने भगवान की दिव्य झांकी को अपने हृदय में प्रकट कर लिया है। भगवान मुस्कुरा रहे, वारे नन्हे से भगत, मैं खड़ा हूं साक्षात, तू आंखें नहीं खोल रहा है। भगवान समझ गए कि ध्रुव के हृदय पटल पर मेरी छवि अंकित है, इसलिए भगवान ने अपनी योग माया से ध्रुव के हृदय से उस छवि को खींच लिया। और जैसे छवि को खींचा, ध्रुव ने आंखें खोली, कहां गया वो, देखा तो सामने खड़ा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन 5 साल का नन्ना सा ध्रुव बोले तो बोले क्या, कोई भक्ति नहीं, कोई स्त्रोत नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कैसे सेवा करे, कैसे आराधना करे, कुछ नहीं पता। भगवान देख रहे हैं कुछ बोले, लेकिन ध्रुव ने तो कुछ नहीं कहा। ध्रुव सोचता है क्या बोलूं, बस हंस रहा है, जैसे छोटा सा बच्चा ना उसके सामने थोड़ी देर खड़े रहो, हंसने लगता है, हंसता है कि नहीं हंसता, देखा होगा आपने, ऐसे ही नन्ना सा ध्रुव हंस रहा है, भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं। इस छवि को देख करके अपने हृदय में परीक्षित भी मुस्कुरा रहे हैं, सुखदेव जी भी मुस्कुरा रहे हैं। आहा, इस झांकी का दर्शन करो, अपने अंतर के नेत्रों से नन्ना सा 5 साल का भगत भगवान चतुर्भुज रूप धारण किए हुए हैं, बोलना चाहता है लेकिन बोले कैसे। भगवान समझ गए, सतम विवक्षन्त मदिदं हरिर् ज्ञात्वास्य सर्वस्य च देवस्थितः कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना प्रस्पर्श बालं कृपया कपोले। आज गोविंद ने कृपा की, समझ गई इसके अंदर ज्ञान नहीं है, अभी ज्ञान को प्रकट करना पड़ेगा। अपने हाथ से शंख को ध्रुव के गाल से स्पर्श करा दिया, और जब गोविंद कृपा करे तो क्या होता है, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत कृपात्म हम वंदे परमानंद मान। मूकम करोति वाचालम, वो गोविंद कृपा करे तो गूंगा बोलता है महाराज, मेरे जैसा अनपढ़ यहां कथा सुना सकता है कैसे, गोविंद कृपा करे तो। अरे वो गोविंद कृपा ना करे तो कितना ही विद्वान हो महाराज, वो जीभ में लकवा लगा दे, हम कितना ही बढ़िया ज्ञान जानते हो, कितनी हमारी बुद्धि तीव्र हो, लेकिन वो पैरालाइज का अटैक डाल दे, कौन जाने। आज ध्रुव ने बड़ी सुंदर स्तुति की, योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मीमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्ति धर स्वधामा अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादी प्राणानमो भगवते पुरुषा प्राणानमो भगवते पुरुषाय। माधव आपने आज मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया,
योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ता। आपने मेरे इस सोई हुई ज्ञान को जगा दिया है प्रभु। आप कृपा करें तो ही जिभ्या बोल सकती है, आप कृपा करें तो नेत्र देख सकते हैं। हे जगदीश्वर, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। आपको आपकी आज्ञा के बिना, आपकी कृपा के बिना भला कौन जान सकता है। सुई जान ही जी देहु जनाई, सोई जाने देहु जनाई, सोई जाने जेहि देहु जनाई, सोई जाने देहु जनाई। जानत तुम हो तुम्हें हो जाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, जानत तुम हो तुम्हें हो जाई, जानत तुम ही हो जाए। सोई जान ही देहि देहु जनाई, सोई जान हो जे देहु जनाई। प्रभु सोई आपको जान सकता है, जिसे आप जनाना चाहते हो। आज आपने कृपा की है प्रभु। जानत तुम हो तुम्हें हो जाई, और जो आपको जान लेता है फिर वो और कोई नहीं, वो आप ही हो जाते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। प्रभु जिसके हृदय में आप बस जाते हो फिर और कुछ वहां रहता है। भगवान ने कहा ध्रुव क्या चाहते हो, ध्रुव ने कहा प्रभु अब आपको देख लिया है क्या चाहना है। तुझे देखता रहूं उम्र भर में, मेरी इसके सिवा और कुछ ख्वाहिश नहीं। भगवान ने कहा वारे ध्रुव, मन में राज्य का भाव है और मुझसे मुझको मांगते हो। भगवान ने कहा जाओ राज्य करो। 36,000 वर्षों तक ध्रुव ने राज्य किया। भक्त ने भक्ति से कभी अभिमानित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्त के जीवन में जब भी अभिमान आया उसका नाश हुआ। भक्त ने अपने आप को तृण समझना चाहिए। तृणादपि सुनीचेना तरूरी व सहिष्णुना, अपने आप को तृण से भी छोटा समझो। मैं कुछ नहीं हूं, करे कराए आप पे आप, वो करने वाला सब वही है। कुछ नहीं है मनुष्य के हाथ, मनुष्य के हाथ में कुछ है नहीं। आज ध्रुव अपने घर लौटा तो जो माँ बाप पहले उसको तुष्कार कर रहे थे, धिक्कार रहे थे, उसका उपहास उड़ाते थे, जो माँ कहती थी जाओ निकल जाओ यहां से, आज महाराज वो थाली लेकर खड़ी है। आह क्यों? क्योंकि गोविंद की कृपा हो गई। जा पर कृपा राम की हुई, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा पर कृपा करहिं
कृपा करे सब कोई तापर कृपा करे सब कोई तापर कृपा करे सब कोई तापर कृपा राम की हो सच्चिदानंद भगवान की जय। सुंदर राज्य कर रहे थे उत्तम, एक उनके छोटे भाई जो एक बार वन विहार करने के लिए वन में गए और कुबेर महाराज की विहार स्थली में प्रवेश कर गए। यक्षों ने रोकने का प्रयास किया लेकिन उत्तम माना नहीं और युद्ध में मारा गया। ध्रुव को जब यह पता चला तो ध्रुव सैनिकों के साथ जाकर यक्षों से युद्ध करने लगे, यक्षों को मारने लगे। महाराज मनु आए और ध्रुव को समझाया। देखो ध्रुव ने भगवान के दर्शन कर लिए लेकिन उसके जीवन में सत्संग नहीं था। देखो भगवान के दर्शन करने से जीवन का उद्धार नहीं होगा। आजकल हम क्या कहते हैं, बस एक बार भगवान दिख जाए, बस एक बार कन्हैया मिल जाए, बस एक बार राधा जी के दर्शन हो जाए। अरे क्या हो जाएगा दर्शन से, बोलो ना। रावण ने हजार बार राम के दर्शन किए होंगे, हनुमान जी के भी दर्शन किए, शंकर जी के भी दर्शन किए, लक्ष्मण जी के दर्शन किए, माँ जानकी के दर्शन किए, लेकिन सुधार हुआ क्या उसको, जीवन का कुछ हुआ अच्छा? अरे बोलो ना, है? कंस ने कृष्ण के दर्शन किए, बलराम जी के दर्शन किए, परशुराम जी के दर्शन किए, लेकिन सुधरा क्या हुआ? दर्शन करने से सुधार नहीं होगा तो किससे सुधार होगा? तूल्यामल वेनापि न स्वर्ग न पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य मृत्यानाम किमुताशिष। सत्संग, सत्संग का एक क्षण स्वर्ग के सुख सारे ऐश्वर्य सत्संग के एक क्षण के सामने फेल है मारा, कोई मोल नहीं। सत्संग से जीवन सुधरता है मेरे भाई बहन, ध्यान रखना। तप आप कितना ही कर लो, तप से आपको सिद्धि मिल जाएगी, प्रसिद्धि मिल जाएगी, लेकिन जीवन सुधरेगा ये गारंटी नहीं। तप करने से आपको सिद्धि मिल सकती है, योग मिल सकता है, भोग मिल सकता है, लक्ष्मी ऐश्वर्य मिल सकता है, लेकिन आपके जीवन में जो शांति है वो नहीं मिलेगी। बिन पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही सत्संग बिना मन नहीं पावे शांति। सत्संग करना बड़ा जरूरी। स्वयंभू मनु आए और महाराज सुंदर उपदेश दिया, ध्रुव को अपनी गलती का एहसास हुआ और जो भैया आया है वो तो जाना पड़ेगा उसे। मृत्यु देवी आई, ध्रुव जाने लगे, भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए, लेकिन मृत्यु देवी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मृत्यु के सिर पर आज ध्रुव ने पांव रखा और ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। जैसी भक्ति ध्रुव की, जैसी निष्ठा ध्रुव की, ऐसी हमारे अंदर भी होनी चाहिए। ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के पुत्र हुए अंग और अंग के पुत्र हुए बेन। ये बेन बड़ा दुराचारी था महाराज, ये संतों का अपहास करता, ब्राह्मणों को तिरस्कृत करता, अपमानित करता, गाय को मारता महाराज। इसने पूजा पाठ बंद करा दी, वेनाई स्वाहा अपनी पूजा कराता। संतों ने समझाया, यदा वेदेशु देवेशु गोसु विप्रेशु साधुसु धर्ममयी च विद्वेष सवा आसु विनश्यति। जो देवताओं का, वेदों का, ब्राह्मणों का, गाय का, साधु पुरुषों का जो विद्वेषी होता है, इनको हानि पहुंचाने वाला होता है, ये जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वीन भी संतों के द्वारा, एक तृण से संतों ने वीन को मार दिया और वीन के शरीर का मंथन किया तो एक काला कलूटा छोटा सा बौना सा एक पुरुष प्रकट हुआ। इसके नाम ये पूछने लगा, क्या करूं,
संतों ने कहा निश्चित बैठ जाओ और यही निषाद बना गोहराज निषाद। इसी से निषाद जाति चली, श्रृंगवेरपुर का राजा बनाया। और महाराज फिर दोबारा से बीन के दाहिनी अंग का मंथन किया गया तो प्रथु महाराज प्रकट हुए, बाम अंग से अर्ची महारानी प्रकट हुई और प्रथु महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया। राजसु यज्ञ की 99वां यज्ञ चल रहा था, इंद्र आया और इंद्र घोड़ा चुरा कर ले गया। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने आकर के कहा प्रथु मैं तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न हूं, क्या चाहिए? तो देखो भगवान से प्रथु महाराज ने क्या मांगा। न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्म चरिणां भुजा सवः महत्मांतर हृदयान मुखच्युतो विधत्सव करिणायुत मेष्मी वरः। हे गोविंद आप यदि कुछ देना चाहते हो तो मेरे कानों में 10,000 कानों की श्रवण शक्ति का वरदान मुझे दो। भगवान ने कहा क्या करोगे? तो प्रथु महाराज कहते महाराज मैं आपकी कथाओं को सुन करके तृप्त नहीं होता। यहाँ तो महाराज दो कान है वो भी ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं करते, चुगलखोरी में, चुगली सुनने में, ऊट पटांग बातों में अपने कानों को लगाते। और प्रथु महाराज कहते 10,000 कान दो मुझे। इंद्र को अपनी गलती का आभास हुआ, अपनी बेटी का विवाह प्रथु महाराज के बेटे से किया, इनके एक बेटा हुए अंतर्ध्यान और अंतर्ध्यान के बेटा हुए हविरधान, हविरधान के पुत्र हुए प्राचीन ब्रही। प्राचीन ब्रही बहुत सारे यज्ञ करता था लेकिन बलि देता था। ध्यान से सुनो, कथा बड़ी विशाल है लेकिन इसका सार समझना। प्राचीन ब्रही यज्ञ में बलि देता था, नारद जी ने समझाया पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से कि हम हैं जीव, पुरंजन यानी जीव और अविज्ञात यानी परमात्मा, और हमारा संबंध है परमात्मा से। प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा ही बसा हुआ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। समझाया कि यज्ञ करो लेकिन उसमें बलि मत दो, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, यदि हिंसा होगी तो उसका फल भोगना पड़ेगा। परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम, पुण्य यदि चाहते हो तो परोपकार करो। आप अपने घर में महाराज जी बड़ा यज्ञ करो और हजारों मन घी उसमें जला दो, उससे उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना महाराज आप उस घी को गरीब लोगों में बांटो, जिसको भूख लगी है उसको अन्न खिलाओ, उससे पुण्य मिलेगा। यज्ञ करो लेकिन ऐसा यज्ञ करो जिस यज्ञ से हिंसा ना हो। पुरंजन को पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से प्राचीन ब्रही को समझाया, कहा वेदों की भाषा बड़ी विचित्र है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। जैसे महाभारत में एक श्लोक है, खचरस्य सुतस्य सुतः खचरा, खचरी जननी न पिता खचरा, खचरस्य सुतेन हतः खचरा, खचरी परिरोदिति हा खचरा। अब आपके समझ में क्या आया? बस खच्चरी समझ में आया है ना, बार बार एक ही शब्द, कनक कनक ते सौ गुना माद कथा अधिकाय, वा खाए बौराए जगर वा पाए बौराए। कनक शब्द है ना लेकिन अलग अलग अर्थ है। वेदों की भाषा भी ऐसी बड़ी गूढ़, इसमें खचरस्य सुतस्य सुतः खचरा। पवन देव को कहते हैं खचरा और पवन देव के पुत्र क्या है? खचरस्य सुतस्य सुतः खचरा यानी सुत खचर। कौन? भीम। भीम के पुत्र कौन है? भीम के पुत्र हैं घटोत्कच। पवन देव के पुत्र भीम, भीम राक्षस नहीं, राक्षस को खचर भी कहते हैं लेकिन भीम के बेटा घटोत्कच खचर है, राक्षस, राक्षस को खचर कहते हैं। और घटोत्कच की मां खचरस्य सुतेन हता खचरा, जो महाराज घटोत्कच की मां है वो भी राक्षसी है किंतु पिता खचर नहीं है, भीम खचर नहीं, राक्षस नहीं है। जब युद्ध हुआ
तो सूर्य को भी खचर कहते हैं। और सूर्य के पुत्र कर्ण खचरस्य सुतेन, यानी सूर्य भगवान के पुत्र ने हता खचरा मार दिया राक्षस को, किसको? घटोत्कच को। खचरी परिरोदिति हा खचरा, और वो राक्षसी रो रही है खचरी, हाय पुत्र हाय पुत्र। तो शब्द है एक खचरा लेकिन अर्थ अलग अलग है। ऐसे ही वेद की भाषा बड़ी गूढ़ है, उसमें लिखा है पशुन आलभेत। तो जो मूर्ख आदमी है वो कहेगा कि पशु को मारो, आलंबन करो, मार दो, बद्ध करो। लेकिन आलभेत का अर्थ होता है स्पर्श करना, अपने अंदर के पशु तत्व को स्पर्श करके स्वाहा। हम अपने अभिमान को छोड़ते हैं स्वाहा, हम मैं नहीं करेंगे स्वाहा। बकरे को ये घोड़ा और बकरा, घोड़ा माने अभिमान। तो अपने अंदर के पशु तत्व को नष्ट करना है, ये समझाया। ये सब समझ गए महाराज, ये सारी बातें प्राचीन वही के समझ में आई। प्राचीन वही को कहते हैं कि भगवान हमको बार बार इशारा करते हैं कि बेटा सुधर जाओ, लेकिन जीव समझता नहीं। कान के पास के बाल सफेद होते हैं, शीशा देखते हैं, अरे कब सफेद हो गए। भगवान घंटी बजा रहे हैं, भैया जाग जाओ, बड़े सुगंधित तेल लगा लिए, अब मेरा भजन करो, ज्यादा बालों के चमक धमक पे ध्यान मत दो। लेकिन लोग कहते हैं नहीं महाराज, हम तो ऐसा तेल लगाएंगे हैं, घने रेशमी काले बाल वैसमोल ने किया कमाल, ऐसा वैसमोल लगाएंगे महाराज की बाले काले कर लेंगे बाल, लेकिन भजन नहीं करेंगे। भगवान फिर क्या करते हैं, दूसरी घंटी बजाते हैं, आंखों से देखना थोड़ा कम हो जाता। भगवान कहना चाहते हैं कि दुनिया की ये रंगीलियां बहुत देख ली, चमक धमक, अब थोड़ा आंखें बंद करके मेरा भजन करो। लेकिन लोग कहते हैं भैया हम नहीं मानेंगे, हम तो कहां जाएंगे, अमृत आई में जाएंगे, वहां ऐसा लेंस फिट कराएंगे कि अब तो महाराज दूर का भी बढ़िया दिखेगा और नजदीक का भी, लेकिन भजन नहीं करेंगे। भगवान फिर तीसरी घंटी बजाता है, दांत झड़ जाते हैं। भगवान कहते हैं कि बहुत खा लिया चना जोर गरम, अब थोड़ा दाल दलिया पियो और मेरा भजन करो। लेकिन लोग मानते नहीं, जीव मानता नहीं, क्या करते हैं, बीडीएस के पास जाएंगे, ऐसा सेट बनवाएंगे महाराज 36 के 36 दांत टन, लेकिन भजन नहीं करेंगे। फिर भगवान एक घंटी बजाता है, कमर को थोड़ा झुका देते। भगवान कहते हैं कि भैया छाती चौड़ी करके बड़ी चल लिए, अब थोड़ा झुक के चल लो, थोड़ा नम्रता ले आओ। लेकिन जीव मानता नहीं, क्या करता है, एक लाठी लेता हाथ में, पहले तो थोड़ा झुकता भी था, तो और चौड़ा होके चलता है। फिर भगवान घंटी नहीं बजाता, फिर तो मारा सीधा उठा के ले जाता है, ऐसा घंटा बजता है कि शमशान घाट में जाके जीव है ना। तो जीवन में जब भी मौका मिले भगवान का भजन करो। प्रचेताओं की कथा सुनाई, जिसमें रुद्र गीत के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया, और भगवान ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा के कहने से, प्रचेताओं ने ब्रह्मा जी के कहने से वृक्षों के द्वारा पालित मारिशा से विवाह किया, और उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम है दक्ष। नारद जी ने दक्ष को जो बेटा हुए उन सबको विरक्त कर दिया, जिससे दक्ष क्रोधित हो गया और नारद जी को श्राप दे दिया। आगे कथा आती है मनु महाराज के दूसरे बेटे की। एक बेटे की तो सुन ली हमने, किसकी सुनी अभी, देखो। इसीलिए कहते हैं कथा में ध्यान भी रखो और कान भी रखो। उत्तानपाद के पुत्रों की कथा सुनी कि नहीं सुनी। अब एक भाई और है उत्तानपाद के, उनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत माने जिसका अच्छा संकल्प हो। हम व्रत तो रखते हैं लेकिन व्रत में हमारा संकल्प बढ़िया नहीं होता, संकल्प बढ़िया होना चाहिए। प्रियव्रत एक राजा हुए, इनका विवाह विश्वकर्मा की बेटी बृहस्पति से हुआ। इन्होंने एक बार ऐसे नृत्य का निर्माण किया जिससे महाराज पृथ्वी पर अंधकार ही नहीं रहने दिया। प्रियव्रत के बेटा हुए आग्निद्र, और आग्निद्र के बेटा हुए नाभी, नाभी के बेटा हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव भगवान की जय।
ऋषभदेव कौन है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जिनके चरण पड़ने से घर भी तीर्थ बन जाए वो तीर्थंकर। ऋषभदेव का विवाह हुआ इंद्र की बेटी जयंती के साथ। इनके 100 बेटा हुए। कितने? 100 बेटा। ये शाम के समय अपने बेटों की परिवार की मीटिंग करते थे। हमारे तरह थोड़ी के घर में बैठ के शाम को सब मोबाइल चला रहे, पिताजी का मुंह उधर को, माँ का मुंह उधर को, बच्चों का मुंह उधर को, भाड़ में जाए है ना। मम्मी व्हाट्सएप चला रही है, बच्चे पढ़ने के लिए आए, मम्मी ये बताना जरा इसका मतलब क्या है। मम्मी बोलती है अरे टीचर से पूछ लेना है ना, दिमाग खराब मत करो। ऐसा नहीं है, ऐसा करने से बच्चों के आचार विचार बिगड़ जाएंगे। ऋषभदेव बड़े सिद्ध पुरुष हुए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दी। बच्चों से पूछा बेटा ये हमें मनुष्य शरीर क्यों मिला है? तो बच्चों ने कहा खाने पीने के लिए। ऋषभदेव ने कहा नहीं नहीं, ये भगवान के भजन के लिए मिला है। संतों की सन्निधि को पा करके भगवान का भजन करो। जैसे ये ज्ञान दिया तो महाराज 79 तो उसी समय सन्यासी हो गए। भरत ने राज्य किया, अंत में अपने पिता के मार्ग पर चले, क्योंकि जैसे पिता होंगे वैसा ही बेटा हो जाएगा। अगर पिताजी शराब पियेंगे घर में, शराब की बोतल खोलेंगे तो बेटा भी एक दिन जरूर खोलेगा, पक्की बात, उसको रोक नहीं सकते आप। क्यों? क्योंकि बेटा कहेगा पापा आप खुद तो पीते हो, मुझे रोकते हो। और यदि पिताजी पूजा पाठी हैं, धर्म कर्म करने वाले, तो बेटा भी बन जाएगा, पक्की बात है। जैसा बाप वैसा पुत्र। बड़े बेटा भरत जी हैं। भरत जी ने सोचा मेरे पिताजी इतने बड़े महात्मा और मैं घर में धक्के खा रहा हूं, वन में गए और तप किया। लेकिन एक भूल हो गई, एक मृग के मुंह में फंस गई। एक मृगा के संगते भरत धरी मृग देह, और तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। गए थे हरि भजन को, ओढ़न लगे कपास, मृग में फंस गए। आजकल कुछ लोग हैं जो घर से तो सन्यासी हो गए, अरे हमने नहीं घर में रहना, हम तो सन्यासी हो जाएंगे, और सन्यास लेके बड़ा सा आश्रम बनते हैं, बनाते हैं, और वो बड़े से आश्रम में खूब चेले पालते हैं। उन चेलों में फिर झगड़ा होती है, और झगड़े में गुरुजी पिस जाते हैं। प्रेम से कह दो राधे राधे, अरे भैया इसी झगड़े में फंसना था तो घर परिवार कैसा था? अगर ये जमीन जायदाद के चक्कर में, कोठे बंगले के चक्कर में रहना था तो फिर सन्यास क्यों लिया? सन्यासी को तो बिल्कुल विरक्त होना चाहिए। मृग के संग में फंस गए और मृग का ही जन्म मिला, और जब मृग के जन्म में रही तो तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। एक दिन जंगल में आग लगी, सब मृग तो भाग गए, लेकिन ये भरत रूपी मृग वहीं है महाराज। अपने आप को अग्नि में स्वाहा कर लिया। तीसरा जन्म हुआ आंगिरस ब्राह्मण के घर में, और नाम पड़ा भरत। लेकिन पिताजी जब तक थे तब तक भरत की बड़ी सेवा होती, ठीक ठाक महाराज, लक्षण बहुत बढ़िया थे। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, जन्म पत्री को देखकर ब्राह्मण ने कहा बड़ा विद्वान होगा महाराज। पिताजी ने गायत्री मंत्र जपवाया, जनेऊ संस्कार कराया, गायत्री मंत्र याद करने को कहा महाराज। 6 महीने बीत गए, गायत्री मंत्र नहीं सुनाया। पिताजी ने कहा ये तो जड़ बुद्धि है, इसका नाम है जड़ भरत। पिताजी की मृत्यु हो गई तो भाइयों ने महाराज ध्यान नहीं दिया। सबके भाई ऐसे थोड़ी होते हैं भारद्वाज जी जैसे कि मिलके रहे, है ना। भाइयों ने छोटे भाई का ध्यान नहीं दिया, लेकिन भरत ये तो हष्टपुष्ट हैं। क्यों? तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। घर के बगल में तुलसी लगाते हैं, रोज सींचते हैं लेकिन सूख जाती है, और जो पत्थर पर जंगल में पहाड़ पे उसको कौन पानी दे, वो हरी भरी रहती है। राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरी आए, लेकिन जड़ भरत जी तो किसके भरोसे रहने वाले हैं? भगवान के भरोसे।
घर से निकाल दिया तो एक दिन वन में जा रहे थे, भीलों ने पकड़ लिया, महाकाली के सामने बलि देने के लिए ले गए, स्नान कराया, सुंदर चंदन तिलक लगाया, भोजन प्रसाद कराया, अंत में जैसे ही काली के सामने लिटाया और कटार उठाई, महाकाली प्रकट हो गई, कटार छीन लिया और भीलों के सरदार को ही मार दिया। मेरे भक्त को मारना चाहते हो? लेकिन जड़ भरत ना तो मरते समय दुखी थे और बच गए तो महाराज कोई हर्ष नहीं, बिल्कुल समान भाव से, विपरीत परिस्थिति में भी जो सम रहे वो ही संत है। संत नाम संतोष का, संत नाम किसका? संतोष का। जो भी है सब ठीक है भैया। और साधु नाम साधना का। साधु किसको कहते हैं? जो साधना में तत्पर रहे, कैसे दुनिया का कल्याण हो। आगे महाराज कथा है जड़ भरत और रघुगण की। यहां बहुत सुंदर सत्संग इनमें हुआ। रघुगण की पालकी को जड़ भरत ने उठाया। जड़ भरत ने पालकी उठाते समय चींटी कोई मिलती तो उछल जाते। रघुगण ने कहा, अंधा हुआ है क्या, देखकर नहीं चलता, मोटा ताजा शरीर है, पालकी नहीं उठा सकता। तो यहां रघुगण का और जड़ भरत का बड़ा सुंदर संवाद हुआ, जिसमें रघुगण को आत्मज्ञान कराया। रघुगण, मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा कोई जन्म नहीं होता। रघुगण ने जब ये बात सुनी तो कूद पड़ा पालकी से, इनके कस्तम निगुड़स्य चरसी द्विजानाम, आप कौन है? विवर्षि सूत्रम कतमो वधूता, आप कहां से आ रहे हो? आपके गले में पड़ा हुआ ये श्वेत जनेऊ बता रहा है आप कोई ब्राह्मण है। और मैं किसी से डरता नहीं, पर ब्राह्मणों का अपमान से डरता हूं। आप पारासर हैं, आप कपिल देव भगवान है, कौन है? जड़ भरत ने कहा, रघुगण तुम अब भी मूर्ख जैसी बातें कर रहे हो, जो तुम हो सो ही मैं हूं, क्योंकि सारी जीवात्मा एक ही है, हम तुम में कोई भेद नहीं। रघुगण ने प्रश्न पूछा, आत्मज्ञान कैसे हो? तो जड़ भरत ने कहा, आत्मज्ञान रहुगणित तपसान याति न चिंजया निर्वपणा गृहद्वा न छंदसा निविजलाग्नि सूर्ये विना महत पाद रजो भिषेकम्। हे राजन, पोथी को पढ़ पढ़ के तपस्या कर करके आत्मज्ञान नहीं हो सकता, तो कैसे होगा भैया? पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित भया न कोई, धाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। प्रेम करना पड़ेगा, और वो प्रेम कैसे जगेगा? संतों की चरण शरण में जाकर, संतों की चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करना पड़ेगा। बहुत सुंदर शिक्षा दी और समझाया। आइए इस अंतिम भजन के साथ आज की कथा को विश्राम करते हैं। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल।
निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जग का मेला चार दिनों का जग का मेला कोई न साथी संगी अकेला कोई न साथी संगी अकेला जैसा तू आया जग में वैसा तू जाएगा 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 मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा ये तो जग का झूठा झमेला ये तो जग का झूठा झमेला ये तो जग का झूठा झमेला भाई बंधु कुटुंब कबीला ये तो जग का झूठा झमेला ये तो जग का झूठा झमेला ये तो जग का झूठा झमेला मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे तेरा दिनों का तेरा मातम मनाएंगे तेरा दिनों का तेरा मातम मनाएंगे तेरा दिनों का तेरा मातम मनाएंगे बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा 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 ओ पापी मन भजन ओ पापी मन कर ले भजन मौका मिला है तो कर ले जतन मौका मिला है तो कर ले जतन बाद में प्यारे पछताए
के लाल की जय। तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं, जीते जी खूब भगवान का भजन करो, खूब आनंद करो। आज की कथा को विश्राम, और जितने भी भक्त दूर दूर से आए हैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद। आप आकर के पांडाल की शोभा को बढ़ा रहे हैं। ये वैसे तो भारद्वाज जी की अकिंचन कथा है, इसके श्रोता केवल भारद्वाज परिवार ही थे, लेकिन आप सबने आकर के शोभा को बढ़ाया है। आपके ऊपर गोविंद की खूब कृपा बनी रहे। आइए इसी कर्म में कुछ दानी सज्जनों ने गौ माता की सेवा के लिए अंशदान दिया है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और कुछ भक्त ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन गौ सेवा के लिए सेवा दी है, हमारे आचार्य से उनके शुभ नाम और तत्पश्चात आरती। और कल मेरे गोविंद का प्राकट्य होना है, तो आप सब लोग सुंदर सज धज करके गोविंद के प्राकट्य उत्सव में सम्मिलित होंगे। और कल जो लोग ला सकें वो गोविंद के लिए माखन मिश्री का भोग लेकर के आए। कल 3 बजे से फिर कथा प्रारंभ हो जाएगी, और 3 तभी बजेंगे जब आप 3 बजे आएंगे। तो बल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा माधव जी की श्री चरणों में वंदन, पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में वंदन। प्रभु की कृपा निरंतर बरस रही है, ऐसी पुण्य पवित्रमयी कथा श्रवण करने को का अवसर हम सभी को प्राप्त हो रहा है पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से। और जो पूज्य महाराज जी का जीवन का लक्ष्य है, प्रभु की सेवा, प्रभु का चिंतन, गौ सेवा, मानव सेवा, जिसके निमित्त श्री भद्राज जी महाराज की कृपा से और आप सभी लोगों के सहयोग से श्री दुधलेश्वर गौ सेवा संस्थान एवं अध्यात्म उन्नति केंद्र बहराल पौंटा साहिब हिमाचल प्रदेश नामक गौशाला का निर्माण पूज्य महाराज जी ने करवाया, जिसमें इस समय तकरीबन 150-200 गौ माताएँ हैं जिनकी सेवा चल रही है आप सभी लोगों के सहयोग से। और मानव सेवा के लिए इस समय वृद्धाश्रम बन रहा है, जो अभी जिसका कार्य अभी निर्माणाधीन है, अभी जिसका कार्य चल रहा है, बहुत ही जल्द वृद्धाश्रम भी बनकर तैयार हो जाएगा। जिन वृद्ध माता पिता के सेवा करने वाला कोई नहीं, उनके निमित्त, उनके लिए, उनकी सेवा के लिए वृद्धाश्रम का निर्माण किया जा रहा है। तो कुछ दानी सज्जनों ने गौ माता की सेवा के लिए और वृद्धाश्रम के लिए जो सेवा की है, सहयोग किया है धनराशि देकर, मैं उनका नाम लूँगा, आप सभी लोग तालियों से उनका धन्यवाद करेंगे। श्रीमान सुनील भंडारी जी देहरादून से, इन्होंने 1100 रुपये का योगदान गौ सेवा के लिए किया है, तालियों से इनका धन्यवाद करेंगे। श्रीमान पूर्णचंद जी ASI BPO कोलर हिमाचल प्रदेश से, इन्होंने भी 1100 रुपये का योगदान गौ सेवा के लिए किया है, तालियों से इनका भी धन्यवाद करेंगे। श्रीमान रमेश रंगरे जी, इन्होंने अपने परिवार की ओर से, जो कि कोलर हिमाचल प्रदेश के ही हैं, इन्होंने अपने परिवार की ओर से 1100 रुपये का योगदान गौ सेवा के लिए दिया है, तालियों से इनका भी धन्यवाद। श्रीमान राजकुमार जी देहरादून से, इन्होंने 500 रुपये का योगदान गौ सेवा के लिए दिया है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान किशन वशिष्ठ जी दिल्ली से, श्रीमान जय किशन वशिष्ठ जी दिल्ली से, इन्होंने 2500 रुपये गौ सेवा के लिए योगदान दिया है और 11000 रुपये वृद्धाश्रम के लिए इन्होंने
अंशदान दिया है। तालियों से इनका भी धन्यवाद और प्रभु की कृपा इन सभी पर बनी रहे। गौ माता का आशीर्वाद निरंतर मिलता रहे और प्रभु की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से, गौ माता के आशीर्वाद से इनकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण हो, धन धान से परिपूर्ण होकर और प्रभु संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करें। और इसी प्रकार इसी तरह से आप सभी लोग गौ सेवा में सहयोग करते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों के ही सहयोग से एक गौशाला में गौ माताओं की सेवा संभव हो पाती है। इसलिए बढ़ चढ़ कर सहयोग करें वृद्धाश्रम के लिए भी, और जो YouTube में भाव सरिता चैनल के माध्यम से, केदार टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, वह भी अगर गौ सेवा में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन गौ सेवा में सहयोग कर सकते हो। किसी भी प्रकार से, अन्य प्रकार से भी धन देकर, कोई गौ माता के लिए चारे आदि की व्यवस्था करके, भूसा चोकर आदि की व्यवस्था करके भी गौ सेवा में सहयोग कर सकते हैं। और जो पूज्य महाराज श्री की आगामी कथाएं, उनको श्रवण करने के लिए आप यूट्यूब चैनल में के भाव सरिता चैनल को सब्सक्राइब करें और भाव सरिता चैनल के माध्यम से आप सभी पूज्य महाराज श्री की सुमधुर वाणी से अन्य आगामी जो आने वाली कथाएं उनका भी श्रवण कर सकते हैं। तो आइए अब इसी क्रम में आरती करेंगे। तो जो